गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्बरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुष्णि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सबकर हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण इंद्र पूजा की बंद करा के उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई। इसके पीछे हमारे टीकाकार बड़ी रहस्यपूर्ण बात बताते हैं कृष्ण क्यों इंद्र पूजा को बंद करवाए और गिरिराज की पूजा करने का कारण क्या है। कहते इसके पीछे चार कारण बताए। पहला कारण है ये जो ब्रजवासी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये ब्रजवासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कृष्ण के परिकर और राधा जी की कायव व्यू है। राधा रानी ही कृष्ण सेवा के लिए ये अलग अलग गोपी रूप धारण किए हैं। कृष्ण ही ये सखा रूप में प्रकट हुए हैं।
ये ब्रजवासियों का इतना महिमा है। कहते हैं ना, कहते तीरथ सुता के पग पग में प्रयाग जहां, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। बोले गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम ले कर करेंगे क्या, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए भैया वृंदावन के साधारण मत समझो। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ धूल नहीं सब चिंतामणि। ब्रज की एक धूल में इतने शक्ति है कितने स्वर्ग इंद्र चंद्र को प्रकट कर सकते हैं, एक धूल में इतने शक्ति। लेकिन अभी ये ब्रजवासी किसकी पूजा कर रहे हैं, ये निर्गुण है, लेकिन पूजा किसको कर रहे हैं, बोले इंद्र की। बोले इंद्र कौन, बोले सगुण है, हैं ये त्रिगुण के अधीन में है। लेकिन कहां ये निर्गुण जिनकी चरण की धूल की इतने महिमा, अगर वो उनको पूजा करेंगे कितनी गंदी बात है। इसलिए कृष्ण ने बोले भैया इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, पूजा करना तो श्री गिरिराज बाबा के ही पूजा करो, क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन ये और कोई नहीं, ये कृष्ण ही स्वयं ये गिरिराज गोवर्धन रूप में प्रकट हुए हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की गति, ये एक कारण है। दूसरा कारण बताए, अभी जगत में 33 करोड़ देवता है, कितने को पूजा करेगी, एक को मनाओ दूसरे मुंह भुला कर बैठ जाएंगे। लेकिन ये गिरिराज गोवर्धन ये कृष्ण स्वयं है, शिक्षा देते हैं ब्रजवासियों को, पूजा करना तो श्री गिरिराज की पूजा करो। लेकिन जब गिरिराज की उन्होंने पूजा की, इतने में इंद्र बिगड़ गया। देखो ध्यान देकर सुनो, एक तिलक लगाने वाले चुपचाप बैठो, बैठ बैठ जाओ तथा सुनो। इसलिए यहाँ पर इंद्र ने बिगड़ गया, इंद्र बिगड़ करके बोले संपूर्ण ब्रज को मैं तसनस कर दूंगा। संवर्तक में अनचास पवन को बुला करके बोले ऐसे प्रलय जैसे बारिश करो जैसे ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाएगा। इसलिए पूरा के पूरा इंद्र तो टूट पड़ा ब्रज को सत्यानाश करने के लिए। इतने में कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने स्वयं अपना कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए। कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं बहु देवा देवी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान कृष्ण को जो पूजा कर लिया, इनके अंदर में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है। भगवान ने ब्रह्मांड रूप को दिखा कर क्या बताए, बोले जिसको शंकर कहते हो देखो शंकर मेरे में है, जिसको हनुमान कहते हो हनुमान मेरे में है, जिसको तुम देवी कहते हो देवी मेरे में ही है, जिसको तुम गणेश कहते हो गणेश मेरे में ही है। हे अर्जुन मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे को छोड़ करके दुनिया में कुछ भी नहीं है, मैं ही समस्त कारणों का कारण। इसलिए लास्ट में कृष्ण क्या बोले, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। हे अर्जुन तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। देखो अर्जुन बोले अभी तक जो इधर उधर देवा देवी को पूजा करते थे, अगर वो बिगड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा। कृष्ण कहते चिंता मत करो, मैं ही तुमको रक्षा करूंगा। इसलिए यहाँ पर जब उन्होंने इंद्र पूजा बंद करा के गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, इंद्र बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ने पर कुछ कर पाए। लास्ट में उनको ब्रजवासी चरण में कृष्ण शरण में आना ही पड़ा उनको। इसलिए कृष्ण बहुत बड़ी चीज शिक्षा देते हैं, भैया कोई चिंता मत करो मेरे पास में आ जाओ, तो मेरे पास में आ जाओगे तो सब कुछ दायित्व कहते ना, जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैर हुई। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। अब लोग कोई जयकार ठीक से नहीं देते, जोर से बोलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कृष्ण की इच्छा है, ये ब्रजवासी सब के सब मेरे व्यक्ति है, मेरे परिवार है ब्रजवासी, मैं चाहता हूँ। और कभी कभी गोपियों से राधा रानी से कृष्ण को मिलने में बड़ा कठिन होता है। कृष्ण ने सोचा ऐसे एक काम करूं
जैसे आसानी से ये ब्रजवासियों को साथ में मेरे साथ साथ दिन रहना भी हो और इनको साथ में मैं उत्सव करूं। बोले कब संभव होगा? बोले जब मैं गिरिराज गोवर्धन उठाऊंगा तभी ये बच्चों को ना जो उद्यम कर रहे हैं ये बच्चों को पीछे भेज दो। तो भैया ये सारे बच्चों को यहाँ बैठने मत दिया करो, बोले इनको पीछे भेज दो, ये बच्चों को पीछे भेज दो, वहां नहीं बैठना, जब बाहर जाकर खेलो, जब प्रसाद का समय होगा आ जाना सबके सब, सब जब प्रसाद का समय में आ जाना सब। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जब इंद्र बारी से बरसाएगा, जब मैं गिरिराज गोवर्धन धारण करूंगा, ब्रजवासी अपनी आप ये गिरिराज की तलहट में आना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण जब गिरिराज उठाए सारे ब्रज गोपियां सब के सब इकट्ठे होंगे। अरे वहां पर राधा रानी भी आ गई, लेकिन राधा रानी की प्रेम ऐसे हैं, हमारी गोस्वामी लोग कहते हैं बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम। अगर राधा रानी एक तेरी चितवन से अगर कृष्ण को देख लेना, कृष्ण कहाँ पड़ते हैं, कृष्ण की बंसुरी गिर जाती है, मयूर मुकुट गिर जाता है, कभी कभी कृष्ण ही कन्हैया ही गिर जाते हैं। बोले श्री राधा रानी की जय। इसलिए सामने जब श्री राधा रानी आ गई, अभी राधा रानी को दर्शन करके कृष्ण तो कांप उठे और इधर गिरिराज उठा करके रखे। इतने में गिरिराज जगमगाने लग गए, इतने में सखा ने बोले कन्हैया किधर देख रहे हो, इधर उधर क्यों देखते, राधा रानी सामने आ गई ना, बोले उधर मत देखा करो, लेकिन राधा रानी तो सामने, अभी क्या किया जाए। इतने में राधा रानी को एक कपड़े से राधा रानी को ढक दिया, जैसे राधा रानी के ऊपर में कृष्ण का नजर नहीं पड़े हैं। इसलिए राधा रानी क्या कर रही थी, एक तेरे चित्त बन से देख रही थी, बोले गिरिराज गोवर्धन अगर तुम नीचे आओगे ना तेरे को मैं जला दूंगी। इसलिए ब्रज में कहते हैं कछु माखन का बल बढ़ो, कच्छ गोपी ने गोपर ने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिए उठाए। बोले राधा रानी की जय। इसलिए कृष्ण ये ब्रजवासियों को साथ में उत्सव करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये लीला की। और जो सर्वश्रेष्ठ जो भगवान की लीला है, कृष्ण सोच रहे हैं अभी मैं रास लीला करूंगा, लेकिन अकेले तो मैं रास कर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए कृष्ण ब्रज के हीरो है। बोले वहां के हीरोइन ही कौन है, मूल हीरोइन राधा रानी और जितने गोपियां सबके सब हीरोइन है। तब यहाँ पर एक उदाहरण देता है, जब हीरो किसी हीरोइन को अपना तरफ में आकर्षण करना चाहता है, वो क्या करता है, कुछ गुंडों को बुला लेता है और वो हीरोइन को सामने ये हीरो खूब मारपीट करके सबको मार मार कर भगा देता है। और जो हीरोइन देखता है बाबा रे बड़ा बलवान है, फिर क्या होता है, वो हीरोइन उसको ऊपर में आकर्षित तो हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने ये जो गिरिराज गोवर्धन को धारण किया कितने साल उम्र में, बोले 7 साल उम्र में गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए हैं, उसको परिक्रमा करने के लिए कम से कम 6-7 घंटा लग जाती है। इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को और उनने 7 दिन तक कहते आम हाथ में नहीं, सबसे कनिष्ठ अंगुली के ऊपर नहीं, कृष्ण नख के ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। बोले गिरिराज बाबा की। इसलिए इनको आकर्षण कृष्ण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गिरिराज को धारण किया है। ऐसे ही जब 7 दिन बीत गया, इंद्र ने सारे शक्ति लगा दी, हाथी के सूंड के जैसे मुसलधारा से बारिश हो रही थी, वज्रपात ओले गिर रहे थे और गिरिराज गोवर्धन तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे। आप बोलो भैया इतना पानी कहाँ गया, 7 दिन तक अगर बारिश होगी क्या होगी, अगर एक आधा घंटा यहाँ बारिश हो ना पानी जम जाती है, अरे 7 दिन तक इतना पानी कहाँ गई। इसका 2-3 कारण बताते हैं। पहला कारण बताते हैं, आप अगर गोवर्धन जाओगे वहां पर चक्रेश्वर महादेव है, चक्रेश्वर महादेव ने ठाकुर जी को प्रार्थना किया, बोले ठाकुर जी ये ब्रजवासियों को रखिया करो, इतने बारिश हो रहे हैं क्या होगा। इतने में उन्होंने सुदर्शन चक्र को ठाकुर जी छोड़ दिए, और चक्र में जो तेज है करोड़ों सूरज ज्यादा तेज है, इसलिए जितना बारिश हो रहा था ना
ऊपर ऊपर अपने आप सुखते जा रहा था, ये एक कारण। दूसरा कारण बताए, अनंत देव स्वयं आकर के गिरिराज की चारी तरफ में लेट गए। जब चारी तरफ में लेट गए, पानी एक बूंद भी नीचे नहीं आई। तीसरा कारण बताते हैं, ये तृतीय जो की बात है, मैया सीता को जब उद्धार करके प्रभु राम लंका से लेकर के आए, मैया सीता की भावना है, मैंने संतों की कृपा से ही उद्धार हो पाई, चाहती हूँ संतों की सेवा करें। इसलिए प्रभु राम को कहते हैं, कुछ संतों को बुला दा, मैं उनको सेवा करना चाहती हूँ। भगवान राम बुलाते हैं, लेकिन 8-10 पूरी हलवा थोड़ी सी आलू गोभी की सब्जी का पेट भर जाता है, लेकिन मैया सीता खुश नहीं होती। बोले क्या 8-10 पूरी खा करके संतोष हो जाता है? संतों को खिलाकर मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता है। इतने में भगवान राम बोले कोई चिंता नहीं। एक दिन उन्होंने अगस्त ऋषि को बुलाया, नाम सुने अगस्त ऋषि के, जिन्होंने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र को पान कर लिया। बोले बाबा थोड़ी सी चमत्कार दिखाना। बोले क्या दिखाना? बोले इतना खाना जैसे मैया सीता बनात मदद थक जाए। बोले कोई बात नहीं। इतने में मैया सीता 8-10 पूरी ला कर रख लेती है। जब सब्जी लाती ना पूरी खत्म, जब पूरी लाती है सब्जी खत्म, हलवा लाती है तो सब्जी खत्म। मैया सीता जब 10-20-50-60-70-100 पूरी खा लिए, बोलिए बाबा का पेट नहीं भर रहा, ये क्या बात है? जितने पूरी बनाओ, सब्जी खत्म, सब्जी लाओ, हलवा खत्म। इतने में सीता जी की बहुत सारी सहेलियां हैं, सहेलियों को भी बुला दिए। बोले जल्दी जल्दी आओ, थोड़ा मदद कर दो, लगता है बाबा थोड़ा भोजन आनंद दिए। लेकिन वो सारे सहेलियां भी लग गई, लेकिन बाबा का पेट नहीं भरता है। आपका घर में अगर कोई भोजन करने के लिए आए, जब तक तो मना नहीं करते, थोड़ी आप बोलते हैं मत खाओ, ये बाबा तो मना ही नहीं कर रहे हैं। इतने में जब मना ही नहीं कर रहे हैं, इतने में क्या हुआ, उन्होंने जितने सारे रिद्धि सिद्धि जितने सारे थे सबको उन्होंने बुला दिया। बोले सबके सब आ जाओ, सबके सब आ गए और सबके सब लग गए, लेकिन ये बाबा का पेट नहीं भरे, मना नहीं करते हैं। मैया सीता तो शरीर से पसीना पसीना बहने लग गई। बोले कहां से ही बाबा को बुला करके ले आए, ये मना ही नहीं कर रहे किस तरह से, हम भंडारा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। जब मैया सीता परेशानी हो गई, इतने में भगवान राम अगस्त ऋषि को इशारा किया, बोले बाबा खुश हो जाओ, अभी प्रसन्न हो जाओ, लेकिन जितना भोजन करेगा उतना पानी भी तो चाहिए ना। बोले बाबा तृतीया युग में तो आपको भोजन कराया, द्वापर युग में पानी पिलाऊंगा, हैं द्वापर युग में पानी पिलाऊंगा। इंद्र जब 7 दिन तक मूसलाधारा से बारिश की, इतने में भगवान कृष्ण बोले अगस्त ऋषि तृतीया युग में पूरी सब्जी खिलाया हलवा, अभी आ जाओ पानी पीने के लिए। इतने में अगस्त ऋषि आकर के अंजलि करके वो खड़े हो गए, जितने बारिश हुई सबके सब जो एक चुल भर में समुद्र को पी ले उनके लिए कोई बड़ी हरी बात नहीं। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इतने में जब 7 दिन बीत गया, इंद्र ने सोचा लगता है ब्रज का संपूर्ण ध्वंस हो गया। एक दूत को भेजा, भैया देख करके आओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत आया और ऊपर ऊपर घूम घाम कर चला गया। बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। उनने और एक को भेजा, या तू देख कर क्या, वो तो ऊपर देख कर गया था, वो नीचे आया, नीचे आया तो देखा धूल उड़ रहा है, वहां पर एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं। वो सोच रहा था ब्रज में शायद कोई विपत्ति आ पड़ी, विपत्ति नहीं, वहां पर तो कृष्ण को मुख को दर्शन करते हुए और जितने ब्रजवासी इतने आनंद पूर्वक इतने आनंद ले रहे थे। इसलिए गोपी गीत में कहते हैं, भले त्रुटि जुगायते त्वां मपश्यता यहाँ पर कहते ब्रजवासियों का प्रेम को यहाँ वर्णना करते हैं। जब भगवान कृष्ण गोपियों को साथ में रास रचाई, कितना दिन उन्होंने रास किया था, ब्रह्मा का एक दिन। एक दिन पता है ब्रह्मा का कितना,
1000 चतुर्युग, बताइए 1000 चतुर्युग कितना होता है? कलयुग का परमावि 4,32,000 साल, द्वापर युग का डबल कर दो, तृतीया को 3 डबल कर दो, सत्य को 4 डबल कर दो, सब मिला करके महाजुग, ऐसे 71 महाजुग में एक मन्वंतर और इसे 14 मन्वंतर में ब्रह्मा का एक दिन होता है। कितना बड़ा दिन, लेकिन इतना दिन तक रहस्य तक किए, लेकिन गोपियों को क्या लगा अभी आए और अभी खत्म हो गए? क्योंकि आप लोग देखना, जब आनंद हो ना उसमें समय पता नहीं चलता, लेकिन जब दुख आए एक एक सेकंड बीतना बड़ा कठिन होता है, लेकिन आनंद में पता नहीं चलता समय कैसे बीत जाती है। इसलिए जब कृष्ण को दर्शन कर रहे थे ब्रजवासी लोग, 7 दिन तक आपको कोई बोले खड़े रहो, रह सकते हो? 1 घंटा खड़े रहो तो प्यार दर्द हो जाएगा, अरे 7 दिन तक खड़े कैसे रहे? बोले कृष्ण को दर्शन करने में इतने आनंद है, इतने आनंद है, उनको पता ही नहीं चला 7 दिन कैसे बीत गई। और नीचे आकर के देखते हैं, वहां पर विपत्ति किया, वहां पर तो संपत्ति है, वहां पर तो सबके सब बोले आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया जोरी रे रसिया, आज भी देखा वहां पर तो धूम मच रहा है, होली मच रहा है। जब उसने वापस गए, इंद्र ने पूछा बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं? बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश ना, तेरा ही सत्यानाश है। बोले मतलब क्या? जिसको साधारण बालक समझ रखा था वो बालक नहीं, वो तो कनिष्ठ अंगुल पर गिरिराज को उठा करके रखा। इंद्र ने ध्यान लगाया, कौन है? देखा ये तो मेरे प्रभु है। बलि महाराज तो इंद्रपद को छीन लिया था, ठाकुर जी कृपा करके बामन अवतार में मेरे को कि इंद्रपद को दिया, ये मेरे प्रभु है, लगता है मेरे इंद्रपद ही गया। इतने में अपना पत्नी सची को साथ में अमरावती में विश्राम करने के लिए गई,
इतने घबरा हुआ था उसने, उसको नींद नहीं आई। फिर अपना गुरुजी को पास में गए, बोले गुरुजी बताओ ऐसे ऐसे क्या करना, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले फिर बोले ब्रह्मा जी को पास में चलो। जब ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले तुमने सर्वनाश कर दिया। ये कृष्ण ऐसे का अवतार है ना, किसी की घमंड को उसने नहीं रखा। कुछ दिन मैं भी बड़े बुरी तरह से फंस गया था, बोले आप भी फंस गए थे। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले जिस समय कृष्ण उन्होंने अघासुर को वध किया, भयंकर राक्षस था, बड़े सर्प रूप अजगर सर्प बन करके आया था, लेकिन ठाकुर जी उसको अंदर में मुंह का अंदर में प्रवेश करते हुए उसको एकदम सर को फट करके ठाकुर निकले, और उसका ब्रह्म ज्योति जब श्री कृष्ण का शरीर में प्रवेश किया, और स्वर्ग के देवता लोग भी देख करके बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। कहते इन लोगों का जो गुणगान कर रहे थे, ये धीरे धीरे स्वर्ग लोग से मोह लोग जन लोग तप लोग और सत्य लोग में जब पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा ये स्वर्ग में जय जयकार किसकी कर रहे हैं। नीचे उतर करके देखे तो कृष्ण केवल 5 साल है, 5 साल उम्र में ही इन्होंने श्री अजगर सर्प को उन्होंने वध किया है, अघासुर को उन्होंने वध किया। ब्रह्मा जी और आगे थोड़ी सी लीला देखने के लिए कृष्ण सखाओं को साथ में यमुना किनारे में बैठ करके भोजन कर रहे थे, लेकिन कृष्ण बीच में सखा चारों तरफ में हजार हजार सखा है, लेकिन आश्चर्य की बात है हर सखा देख रहे थे कन्हैया मेरे पास में बैठे हुए। घर से अगर कोई मालपुआ लाए, बोले कन्हैया मेरे मैया बड़े सुंदर मालपुआ बनेया। कन्हैया बोले तू का अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे। कृष्ण सबसे झपट छिना करके कृष्ण भोजन कर रहे थे, सबका झूठा खा रहे थे। एक सखा ने छाछ लाया था, बोले कन्हैया मेरे मैया ने बड़ी सुंदर छाछ भेजी है। कन्हैया बोले मेरे को नहीं दोगे? बोले थोड़ी पीने का है ये, थोड़ी देने का ये पीने का, अभी लाया था मटकी में और दोनों में खचाता नहीं हो गई। कन्हैया कहते मेरे दो सखा, बोलते नहीं दूंगा। ऐसे करते करते छलक करके सखा की छाती को ऊपर पड़ गया, गिरा तो इतने में कृष्ण जीव लगाकर उसको चाट रहे थे। अरे बड़े चोखो छाछ है, बड़े सुंदर मैया तुम्हारे छाछ बनाई। ब्रह्मा तो देख करके बोले ये कैसे भगवान, जिनको झूठन फुटन को भी कोई पता नहीं, सबका झूठन खा रहे हैं। ब्रह्मा जी आगे लीला दर्शन करने के लिए कृष्ण की बछड़े को उनने चुराया, फिर उनने सखाओं को चुराया उन्होंने। इतने में कृष्ण स्वयं बछड़े सखा बन गए, बछड़े सखा बन करके उनको ले करके ब्रह्मा जी एक गुफा में उनको सुला दिया, और कृष्ण स्वयं बछड़े सखा बन गए। और ब्रह्मा ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए, और वहां पर जो दरबार था ना, बोले देखो मैंने देखा कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, मेरे जैसे कोई आए तो घुसने मत देना। कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर बैठी गए। असली जब ब्रह्मा वहां पर गए, वो वहां का जो चौकीदार लोग थे ना, दंड लेकर के ब्रह्मा जी को भगाए। बोले प्रभु तो सही कह रहे थे कुछ बहु रुपया, बोले ये कहाँ से आ गया, प्रभु तो बैठे हुए। ब्रह्मा देखा हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे नौकर मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं। फिर ये कौन बैठ गया, ध्यान लगा करके देखा ना, कृष्ण स्वयं ही ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी के आसन को दखल कर लिए। ब्रह्मा जी को तो पता कुछ गड़बड़ करके गया, इतने में ब्रह्मा जल्दी जल्दी वहां से उतरे। जब उतरे 1 साल हो गया इस जगत में, 1 साल पहले कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे सखाओं को साथ में ग्वाल बालों को साथ में, अभी भी वैसे लीला कर रहे। ब्रह्मा सोचे मैंने जिनको गुफा में बंद करके रखा था उसको तो ले नहीं आए, वहां पर जाकर के देखा नहीं ये सब के सब मोह निद्रा में सोए हुए। फिर ब्रह्मा इधर आए, बोले इधर वैसे। ब्रह्मा सोच रहे हैं मैं जब इधर आता हूँ ना वो उधर का सब इधर आ जाते हैं, फिर मैं जब उधर जाता हूँ इधर का उधर चले जाते हैं। ब्रह्मा के 4 सर हैं, उन्होंने एक साथ में दोनों तरफ में 2 सर 2 सर करके उन्होंने दोनों तरफ में जब देखा, इतने में भगवान अपना विभूति दिखाया। विभूति क्या दिखाया, उनने ये देखा जितने बछड़े और सखा है ना ये और कोई नहीं
ये कृष्ण ही स्वयं बछड़े सके, कृष्ण ही बने हुए। सबके सब चतुर्भुजधारी नारायण, जितना सब सारे नारायण नारायण। ब्रह्मा समझ गए एक नारायण का नाभि कमल से मेरा जन्म है, लेकिन यहाँ पर अनंत करोड़ नारायण। वो समझ गए जो कृष्ण है ना, मेरे बाप का बाप का बाप का भी ये कृष्ण है। अरे ब्रह्मा सारे अभिमान को परित्याग करके सीधा कृष्ण के चरण में लेट गए। जब लेट गए एक सर तो कृष्ण का चरण को स्पर्श कर रहा था, उन्होंने तीन सर को जोर करके ला करके उन्होंने ठाकुर जी के चरण में उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने देखा शरीर का एक अंग ब्रज रज को स्पर्श कर रहा है, अभी ये तीन अंग बाकी रह गया। फिर ब्रह्मा जी ब्रज रज में लौट पोट उठाने लग गए, बोले मेरे जीवन धन्य हो जाए ये ब्रज रज को पा करके। फिर कृष्ण का चरण को अश्रुओं से उन्होंने अभिषेक करते हुए ब्रह्मा खड़े होकर के भगवान को स्तुति करते हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। देखो ध्यान देकर सुनो, इसको ब्रह्मा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा कौन है? विश्व ब्रह्मांड को जिसने सृष्टि की है वो कहते हैं ये कृष्ण कौन है। ये चीज को, इतना चीज को समझ करके जाओ, ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं बोले जो कृष्ण ये ईश्वर है। ईश्वर मतलब क्या होता है? ईश्वर उसे कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सक्यते सर्व ईश्वर, मतलब है को नहीं और नहीं को जो है कर सकते वो ईश्वर है। जो दिन को रात और रात को जो दिन कर दे कहते वो ईश्वर है। और कृष्ण कौन है? बोले अनादि आदि गोविंद। अनादि मतलब क्या है? बोले जो कारण तो साई से जो जगत सृष्टि होता है उनको मूल कौन है? शंकर सन, उनका मूल बलदेव प्रभु, बोले उनका जो मूल है ये भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की माता है ना। कोई एक इधर देखो मेरे तरफ में, कोई अगर अच्छे कोई साड़ी पहन करके आ जाए ना, सब उनको ही देखने लग जाते हैं, कहले हमसे ये बढ़िया साड़ी कैसे पहन करके आ जाए। इधर कोई कथा सुनने में किसका मन ही नहीं, यहाँ पर लगता है जिंदगी में कोई साड़ी नहीं देखे। ध्यान देकर इधर देखो, देखो यहाँ पर दो एक घंटा के लिए ज्ञान की बात सुनने के लिए आए हो, एकदम इधर उधर मन लगाओ। अगर यहाँ से कुछ ले करके नहीं जाओगे तो फिर इधर आया ना, आने का मतलब क्या रह गया? ध्यान देकर सुन, यहाँ पर ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं समस्त का मूल का जो मूल है वो कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र। देखो ये जो लड्डू गोपाल बैठे हुए ना, वो देखने में तुमको लग रहे हैं छोटे, लेकिन बड़े खोटे हैं। वो छोटे नहीं, सारे विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले यही है, ये ब्रह्मा स्वयं कहते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे घर में तो ठाकुर जी बैठे हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, ये ठाकुर जी को छोड़कर ना इधर उधर देवादेवी के पास में भटकना शुरू कर देते हैं। ये कन्या के ऊपर तुम्हारी विश्वास नहीं है भैया, इनकी कृपा के बगैर शंकर भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। गीता पढ़ करके देखो, माता देवी भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हैं, गणेश भी और हनुमान भी वो कुछ भी नहीं दे सकते हैं। गीता पढ़ करके देखो, कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन जब तक मेरे से कोई आदेश नहीं ले ये देवादेवी तुमको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इनकी आदेश नहीं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत का? मोदी है, मोदी है ना। लेकिन उसने किसको जल मंत्री बना दिया, किसको अग्नि मंत्री बिजली का मंत्री बना दिया, किसको अर्थ मंत्री बना दिया, किसको रेल मंत्री बनाया? बनाया किसने? मोदी ने बनाया, मोदी ने बनाया। अगर कोई मोदी को पास में चले जाए फिर इनको पूछने का जरूरत है? इसलिए उसी तरह ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारी घर में जो कन्या बैठा हुआ ना, इसको साधारण मत समझा करो, सारा विश्व ब्रह्मांड का यही मालिक है। इनकी इच्छा के बगैर कहते हैं ना, उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी
नहीं हिलता है, ये चीज को विश्वास करते हुए भगवान कृष्ण की चरण को एकनिष्ठ होकर के भजन करो। सब देने वाले श्री कृष्ण चंद्र है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। बल ज्ञानी प्रयास मधुपाश्च नमंत एव जीवंती सन्मुखरीदं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवांग मनोभि जे प्रायस अजितो जितो त्रैलोक्या। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का एक नाम है अजित। अजित मतलब है जिनको कंट्रोल करना, जिसको जितना बड़ा कठिन है, लेकिन हम इसको कैसे जीत सकते हैं? बोले सारे अभिमान को छोड़ करके, संतों की शरण में रह करके, उनकी मुखारविंद से कृष्ण कथा रूपी जो मंदाकिनी की जो नदी बहती है उसमें हर समय में गोता लगाते रहो, उसी में ही स्नान करते रहो। बोले स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता मतलब क्या है? बोले जहां पर संत लोग रहते हैं उनकी कथा रूपी गंगा में ही नहाना। और दूसरा अर्थ है, देखो ध्यान देकर सुनो, अगर किसको बोले भजन करो, बोले अभी क्या भजन करेंगे, अभी क्या भजन करें, कभी बेटा बेटियों को लिखाई पढ़ाई करना, इनके शादी शुदा करना, जब सारे काम खत्म हो, जब निपट जाएंगे ना सारे काम, तभी एक दो माला कर लेंगे। आप बताओ अभी तो किसने काम को निपटा पाया है? कहते खूब निपट जाओगे लेकिन काम कभी निपटने वाले नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कितना करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। भगवान कहते हैं मेरे तरफ में एक कदम बढ़ा और तेरे तरफ में मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। जब हम भगवान की कहते जिस अवस्था में ठाकुर जी रखे वह अवस्था को समझना सबसे बढ़िया स्थिति है। उससे आगे अगर बढ़िया स्थिति आएगी जब हम भगवान की भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। भक्ति किए बगैर कभी भी आगे बढ़िया स्थिति आ नहीं सकती है। इसको विश्वास करते हुए क्या करो, देखो दक्षिण में एक संत थे, वो दो पति पत्नी है, दोनों ही ठाकुर जी की दिन रात ठाकुर को सेवा करते थे, दिन रात। इतने में बैकुंठ में नारायण ने देखा ये तो दिन रात मेरी सेवा कर रहे हैं, और इनके परिश्रम देख करके ना नारायण और बैकुंठ छोड़ दिए। बैकुंठ छोड़ करके आ गए और स्वयं इसकी घर में पानी लाना, भोजन बनाना, सब्जी अमुनिया करना ठाकुर स्वयं कर रहे हैं। एक संत ने लक्ष्मी नारायण को उन्होंने उपासना की, इतने में माँ लक्ष्मी अकेली दर्शन दी। बोले प्रभु जी कहाँ हैं? बोले प्रभु जी अभी मरते जगत में जाओ, अमुक स्थान पर ऐसे के संत हैं, उनको संतों का घर में ठाकुर स्वयं एक नौकर बन करके वहां पर सेवा कर रहे हैं, जाओ उनको नाम ये है। वो संत आए दर्शन करने के लिए, इतने में जब आए दर्शन करने के लिए और उन्हें सामने ठाकुर जी मिले, इतने में बोले उन्होंने बोले उनका नाम, बोले वो संत कहाँ, वो व्यक्ति कहाँ है? बोले उनको क्यों ढूंढ रहे हो? बोले मैंने गया था वैकुंठ में, रात श्री लक्ष्मी नारायण को दर्शन जब किया वहां पर माँ लक्ष्मी अकेली मिली, वहां पर नारायण नहीं मिले। और माँ लक्ष्मी स्वयं बोले अभी अमुक भक्त घर में भगवान अमुक नाम लेकर वहां पर नौकरी कर रहे हैं, वहीं पर सेवा कर रहे हैं, वो स्वयं थे। इतने में बोलते बोलते ठाकुर वहां पर अंतर ध्यान हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं जब हम एकनिष्ठ होकर के ठाकुर को सेवा पूजा करेंगे ना, भगवान स्वयं वैकुंठ छोड़ करके, ठाकुर स्वयं गोलोक वृंदावन छोड़ करके हमारी घर में आकर ठाकुर जी स्वयं सेवा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ठाकुर के ऊपर विश्वास करते हुए क्या करो, भगवान की भक्ति और ठाकुर जी की सेवा करते रहो। बोले ऐसे अगर जीवन को बिताए भगवान अजीत होने पर भी भगवान क्या होंगे, वो भक्तों का प्रेम में भगवान बसीभूत हो जाएंगे। दूसरे श्लोक में कहते हैं
बोले तत्व कंपाम सुषमिक्षमाणम भुंजामि एवात्मकृतम विपाकम। हाँ, इसको ध्यान देकर सुनो अच्छे तरह से, ये काम की बात है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ आए कभी भी दूसरों को ऊपर में दोषारोप मत करो, भैया अमुक की वजह से ऐसे हो गया, अमुक ने मेरे लिए ऐसे कर दिया। तब यहाँ पर कहते हैं बोले भैया भगवान कोई किसी को के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। प्रभु जी जो जितना फ्यान है ना, ये फ्यान को बंद कर दो और सबके सब सावधान से जाओ। कितने लोगों का कपड़ा ये फाड़ दिया ये फ्यान में, ये फ्यान को बंद कर दो और जब आप लोग जाओ ना ये फ्यान को देख करके जाओ, दो चार व्यक्तियों का कपड़े को उन्होंने फाड़ दिया है। इसलिए जो कोई जाओ फ्यान को सामने, सबके सब सावधान से जाओ, नहीं तो पास वाले जो फ्यान है उसको बंद कर दो उसको। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ आता है अपना का अपना कर्म फल को मान करके इसको भोग कर लो, हंसते हंसते इसको भोग कर लो, इसको ऊपर में कभी दोषारोप मत करो। क्योंकि जैसे हम बीज बोते हैं वो वृक्ष भी वैसे ही होता है। अगर हम चीकू का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष वहां पर होगा? चीकू होगा। अगर आम की गुठली की बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा? आम होगा। अगर नीम का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा? करल का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा? करला होगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कभी किसको ऊपर में दोषारोप मत करो। अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आता है ये समझना, भजन करते हुए दुख कष्ट अगर आता है उसको नेगेटिव रूप में मत लिया करो, पॉजिटिव रूप में लो। ये समझो हमारे जीवन में बहुत बड़ी कोई घटना होने का था, ठाकुर ने थोड़ी सी कोई कष्ट दे करके ठाकुर जी हमें छोड़ दिया, इसी रूप में ग्रहण करो, नेगेटिव रूप में उसको नहीं लेनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं लेकिन भगवान की भजन को मत छोड़ा करो, भगवान की भक्ति को कभी मत छोड़ा करो। क्यों? अगर कभी प्रभु की भक्ति से ही जल्दी से जल्दी ये पाप खत्म होगा, भगवान की भक्ति से ही होगा और किसी को द्वारा नहीं होगा। इसलिए सबके सब प्रेम से क्या कर हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे तुम दोनों अलग हो जाओ, माता जी ज्यादा बात करते हो तुम दोनों, अलग होकर बैठो, जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी जब भगवान को स्तुति कर रहे थे लेकिन ठाकुर जी खुश नहीं हो रहे। ब्रह्मा जी सोच रहे इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक से मैंने ठाकुर को स्तुति कर रहा हूँ, ठाकुर जी तो सखाओं को साथ में आनंद ले रहे हैं और मेरे तरफ में देख नहीं रहे। बोले अभी तक तो मैंने ठाकुर जी को स्तुति करके देखा है, अभी मैंने थोड़ी सी उनकी भक्तों को ब्रजवासियों को स्तुति करके देखता हूँ। बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्णा ब्रह्म सनातनम। बोले हे प्रभु ये ब्रजवासियों का महिमा क्या बताए? बोले क्यों? बोले आप हे कौन? बोले पूर्ण ब्रह्म अब सनातन हो, विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो। लेकिन ब्रजवासियों ने ऐसे क्या भक्ति की, सखाओं का सखा बन गए। जब सखा लोग आपस में खेलते हैं, कन्या कभी हार जाए ना, सीताराम बोलते कन्या हार गया घोड़ा बन जा, कृष्ण घोड़े बन करके कांधे पर बैठा थे। अगर कृष्ण कभी मिट्टी खाए, कल सुन रहे थे ना मैया बोले मिट्टी कन्या मैंने मिट्टी क्यों खाई, कृष्ण झूठ बोल देते हैं, बोले मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसलिए भगवान झूठ बोल देते मैया की डर से, उखल में मैया बांध देती हैं। विश्व ब्रह्मांड का मालिक
सीधा कान को पकड़ करके उठाती बैठाती है। बोले ये ब्रजवासियों ने इसे कौन सा तपस्या की, आप इनके प्रेम में इतने वशीभूत हो गए। जब उन्होंने इतनी सी बात बताए, इतने में कृष्ण मुस्कुराते। ब्रह्मा को पता चला भगवान का कमजोर कहां पर है। भगवान क्या शिक्षा देते हैं, भैया मेरी सेवा से, मेरी स्तुति से मैं जितने संतुष्ट होता हूं, अगर मेरे भक्तों का कोई स्तुति करे है, मेरे भक्तों को कोई सेवा करे, तो उससे मैं ज्यादा खुश होता हूं। इतने में पितामह ब्रह्मा जी ठाकुर जी का जल्दी जल्दी उनने तीन परिक्रमा करते हुए बोले हे प्रभु, बोले जानन्तु एव जानन्तु। अगर कोई बोले हम भगवान को जानता हूँ, उनको जानने दो, मैं पितामह ब्रह्मा जिसका चार मुख है, दुनिया को सृष्टि करने वाले मैं कहता हूँ, पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, पृथ्वी का बारिश का बूंद कोई गिन सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की महिमा को कोई पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी बोल करके वहां से जल्दी जल्दी ब्रह्मा जी वहां से चले गए। इसलिए यहाँ पर कौन कह रहा है, पितामह ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भैया मैं भी कभी मैंने फंस गया था बुरी तरह से, भले अभी बताओ। इंद्र कह रहे हैं अभी बताओ मेरी कल्याण कैसे होगा, मैं तो ठाकुर के चरण में अपराध करता हूँ। 7 दिन तक बारिश बरसाया और ठाकुर जी को गिरिराज धारण करना पड़ा। बोले देखो कृष्ण का एक नाम गोपाल है, बोले जो गैया को कृष्ण पालन करते हैं, इसलिए गो माता है ना, इसलिए कहते नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान बड़े भक्तवत्सल है, गुरु ब्राह्मणों की हित करने वाले, गैया को सेवा पूजा करने वाले। चलो सुरभि गाभि की आनुगत्य में जाएंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो उन्होंने आकाश का जो मंदाकिनी नदी गंगा के पानी लाए हाथी की सूंड से, और वहां से सुरभि गाभि की दूध दही से भगवान को ला करके उन्होंने पंचामृत से ठाकुर को अभिषेक किया। अभिषेक करके ठाकुर का एक नाम रख दिया गोविंद भगवान। बोले श्री गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा इंद्र, बोले जस्य अम अनुगृह्णामि हरि से तद धनोसनु, मैं जिसको पर मैं कृपा करना चाहता हूँ उसका सब कुछ मैं अपहरण कर लेता हूँ। हैं, इसलिए हमारे शास्त्र में एक बात बताया, हाँ ध्यान देकर सुनो, जो भगवान की भक्ति करते हैं, बोले जेकरे अमर आस तार करी सर्वनाश तबु नाछाड़े अमर आस ताके करियामी दासर दास। भगवान कहते जो मेरे शरण में आता है पहले मैं उसको परीक्षा करता हूँ, उसको मैं परीक्षा करता हूँ, जब परीक्षा करता हूँ उसको अगर परीक्षा में पास हो जाता है ना, फिर तो मैं उसका दासों का फिर दास बन जाता हूँ। तुम्हारी मन में अभिमान आ गया था, मैं इंद्र का स्वर्ग का राजा है, अभिमान आ गया था, इसलिए तेरे अभिमान को दूर करने के लिए मैंने काम की। खबरदार कभी तुम अभिमान नहीं करना, कभी तुम अभिमान नहीं करना। फिर ठाकुर जी उसको माफ कर दिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नंद रानी ते I'm gonna make it.
I'm gonna make it.
खेलते पहुंच गए काली दह पे। आप लोग वृंदावन गए सबके सब? कौन कौन वृंदावन गए हाथ उठाओ तो। अब देखना वहां पर काली हरण देखा कि नहीं, वहां पर कदमों का वृक्ष देखा कि नहीं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, ठाकुर जी सोच रहे हैं, अभी तो मैं वृंदावन में लीला करूंगा, लेकिन वहां पर कालियों को पानी को एकदम जहर जहल बना दिया था। अगर यहाँ रहेगा तो अरे मेरी लीला नहीं हो सकती है, इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं कालियों को यहाँ से कैसे भगा दे। अभी कालियों को ठाकुर जी ने कैसे भगाया वृंदावन से, हमारे श्री श्यामानंद प्रभु जी आप इसी विषय पर आपको बोलेंगे कैसे कालियों को उन्होंने भगाए। बोले श्री कालियानाथन भगवान की। बोले श्री काली आज प्रसाद खीर प्रसाद की बनाया है, बढ़िया मिल जाए। बोले श्री कालिया मथन भगवान की। हमारी विशाखा दीदी बोल रही थी यहाँ का भक्त लोग इतने प्रसाद लाए, जितने कढ़ी चावल सब्जी लेकर का बांटते बांटते खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ के भक्त लोग इतने बढ़िया, ताली बजाओ तुम लोग, इतने अच्छे भक्त। ओम ज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवहवे नमः। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वै जगदाधिवासादि शिवगुरुवंद। सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोलिए, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्री गुरु गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण साक्षण नंबर परम गुरु दहेती कृपावंश करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नित्यानंद प्रभु राधा गोविंद जी आप सभी श्रोतमंडली भक्तवृंद माताएं वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में अर्धम का जितना जितने दंडवत प्रणाम स्वीकार। अभी अभी हम गुरुदेव के मुखारविंद से ये गिरिराज गोवर्धन के लीला चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कृष्णा अभी कुछ दिन के बाद रात लीला करेंगे। अब कृष्णा है मूल नायक, कृष्णा है मूल नायक, तो कृष्णा है हीरो। गुरु महाराज बता रहे थे ना कृष्णा हीरो और बाकी ब्रज गोपी सब हो गए हीरोइन। तो अब जब हीरो कुछ बड़ा कार्य नहीं करते तब कोई उनके प्रति आकृष्ट नहीं होते, इसीलिए कृष्ण ने बड़े सुंदर सुंदर ब्रज गोपियों के सामने दो विशेष लीला किया। एक है ये गिरिराज लीला, गोवर्धन को धारण किए 7 साल के आयु में 7 दिन तक गिरिराज को धारण करना। सब लोग कृष्ण के बड़े वाह वाह करने लगे, बोल गिरिराज गोवर्धन की। अब कृष्ण सोचने और क्या करूं, तब कृष्ण ने कालिया दर्शन लीला किया। तो यहाँ पे प्रसंग हो रहा है, जिस समय ये धेनुकासुर का वध हो चुका है, ये कंस के प्रेरित के द्वारा धेनुकासुर आया था और बलदाव जी ने धेनुकासुर यानी गधे स्वरूप को हटा दिया, यानी अज्ञानता के स्वरूप को सबसे पहले गुरु तत्व बलदेव प्रभु ने वध कर दिया।
तो कृष्णा भी चाहते हैं कि हर दिन हम गोचरण करने के लिए जाते हैं, लेकिन हर दिन हमारे साथ दाऊ भैया जाते हैं। अब ऐसा कुछ करूं कि दाऊ भैया जा नहीं पाए, लेकिन दाऊ भैया को तो डायरेक्ट मना नहीं कर पाऊंगा, बड़े है ना इसलिए मना नहीं कर पाऊंगा। तो कृष्ण मैया को जाके बोलते हैं, बोले मैया मैया पतो है दाऊ भैया है, बोले दाऊ भैया लाना, बोले आज मैं दाऊ है तो कमाल कर दे, बोले कहा कि हो, बोले गधे मार दे। सब लोग तो ठीक आरी मार के वहां हंसने लगे जोर जोर से, और हंस हंस कर बोलते हैं, अरे दाऊ ब्रज में और मारने के लिए कुछ भी नहीं रहा क्या, घोड़ा घोड़ा मारते तो फेंकते रहते हो तुम, और कुछ है कि नहीं बचा है कि नहीं। जितने में दाऊ भैया तो बड़े गुस्से में आ गए, बोलते मैया मैया मैं इसके साथ तो नहीं जाऊंगा, कल गोचरण करने के लिए नहीं जाऊंगा। कृष्ण मन ही मन सोच रहे हैं कि अरे मैं तो यही चाहता था कि आप मत आओ, आप खुद ही मना करते। तो वहाँ पे रोहिणी मैया और यशोमती मैया बोलते हैं कि दाऊ तुम्हारे कल जन्मतिथि है, इसलिए तुम घर में रुक जाना और कृष्ण के साथ तुम गोचरण के लिए मत जाना। अब कृष्ण का एक काम तो हो गया, अब दूसरे काम है कृष्ण वृंदावन में जब आए वहाँ पे यमुना जी के एक धारा एक ह्रद विशाल 100 जजन का एक ह्रद था, ह्रद यानी एक टापू जैसा, एक सरोवर जैसा विशाल ह्रद, और उसमें ये रहता था कालियानाग। कालियानाग का इतना भयंकर प्रभाव था कि उसके ऊपर कोई भी चिड़िया उड़ के चले ना जाए, वो उड़ के जा नहीं पाता था, इसके इतना प्रभाव से जल के पानी में आके गिर जाता था, और चारों तरफ जितने भी वृक्ष थे वो सारे वृक्ष मर गए थे प्राय मरणासन्न, और कोई पशु पक्षी वहाँ पे जाके अगर जल को स्पर्श भी कर ले तो दक्षिणा पीठ के प्रभाव से उसका मृत्यु हो जाता था। तो भगवान सोच रहे हैं कि अब तो हम वृंदावन में ही रहेंगे भैया, वृंदावन में मधुर मधुर लीला करेंगे, ब्रजवासियों इधर उधर तो जाएंगे, और मेरे गोचारण करते करते कभी सखाओं को प्यास लग गया, कि गायों को प्यास लग गया, बछड़ों को प्यास लग गया तो पानी भी पी लेंगे, लेकिन ये तो जहरीला पानी है, इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा वृंदावन। इसलिए ठाकुर जी ने ये लीला किया, प्रातःकाल ठाकुर जी सारे सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए चले गए। जैसे ही ठाकुर जी गोचारण करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो गायों को गो माता और बछड़े को भेज दिया, और सखा लोग चल रहे हैं, और सबसे पीछे कृष्ण धीरे 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 चल रहे हैं। अब इतने में कुछ सखा और गाय कालिया के जो रद में, जो कालिया के रद था उस रद के पास जाकर उस पानी को स्पर्श कर दिया। पानी में जैसे ही स्पर्श कर दिया वहाँ पे तो विष का प्रभाव से वो लोग भी मूर्छित हो गए। तो यहाँ पे टीकाकार प्रश्न करते हैं, भाई ये ब्रजवासी तो नित्य सिद्ध है, इनको विष का प्रभाव कैसे हो गया, ये तो नित्य सिद्ध पात्र थे। तो बता रहे हैं कि भगवान के लीला के इच्छा से, भगवान के योग माया देवी के प्रभाव से यहाँ पे लीला जाने इच्छा शक्ति करे समाधान, भगवान के इच्छा को जान के ये लीला शक्ति योग माया देवी ने उनको वहाँ पर मूर्छित कर दिया। अब कृष्ण को बड़े गुस्से आया, कृष्ण को चाहते ही थे कुछ ना कुछ करके कार्य को यहाँ से भगाए, लेकिन वहाँ पे एक आश्चर्य घटना घटी, एक आश्चर्य चीज था, बोले क्या, सारे वृक्ष वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधा था सब विष के प्रभाव से जल गया सूख गया, लेकिन एक पेड़ बचा हुआ था, एक पेड़ अभी बचा हुआ था। तो टीकाकार प्रश्न कर रहे हैं कि भैया सारे अगर विष में विष के प्रभाव से अगर सूख गए तो एक क्यों बच गया। तो बता रहे हैं, देखो भगवान कभी स्थान पे आएंगे, भगवान कभी स्थान पे आएंगे और इसी पेड़ के ऊपर से भगवान कूदेंगे, इसीलिए भगवान की इच्छा से उस पेड़ जिंदा था, ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि जब गरुड़ जी अपने माता के उपहार के लिए स्वर्ग से अमृत लेके आते हैं, आप लोग जानते हो कुंभ मेला क्यों होता है, नाम सुने हो कुंभ मेला के, कहाँ कहाँ होता है, कि भारत में चार जगह पे होता है कुंभ मेला, ये हरिद्वार पे होते हैं, नासिक पे होते हैं, और ये प्रयागराज पे होते हैं, और ये वृंदावन पे होते हैं। तो देखो क्यों होता है, इतने लोग जाते हैं और 12 साल में एक बार, इसलिए क्योंकि गरुड़ जी ने उसी स्थान पे अमृत कुंड ला के रख दिया था। अब गरुड़ जी भगवान के महान है, महाभागवत है, परम वैष्णव है, इनको पता है कि द्वापर युग में कृष्ण आएंगे और वृंदावन में इसी स्थान पे भगवान मधुर मधुर लीला करेंगे, इसलिए गरुड़ जी ने वहाँ पे उसी वृक्ष पे अमृत कलश रख के थोड़े देर विश्राम किए थे।
आज भी हम जब जब कौन कौन वृंदावन गए हैं तो आज भी वृंदावन में एक स्थान है कालीधाम। कालीधाम में हम लोग परिक्रमा जाते हैं, गुरु महाराज ले जाते हैं। उसी स्थान में आज भी एक बड़े सुंदर कदम का वृक्ष है जहाँ पर गरुड़ जी ने अमृत से मोटर रख दिया था। तब से द्वापर युग से आज तक भी है, अमर है, अमृत यानी अमर है। तो इसीलिए वहाँ पे उस पेड़ का भगवान ने झट करके उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए कमर में भगवान ने अपने पीताम्बर को बांधते हुए तुरंत कूद गए कालंदी में। और इस प्रकार कूद गए कि वहाँ पे जोर से शब्द होने लगा, जैसे कूद के भयंकर शब्द होने लगा, मानो कुछ जल ऊपर उछल के आ गया और चारों तरफ पानी पानी हो के पूरा ठाकुर जी अंदर तक चले गए। जैसे ही अंदर चले गए कि कालीनाथ सोना तब इतने में नाग पत्नी तो ठाकुर जी को नाचते रहे। बोले इतने सुंदर बालक पता नहीं अभी तक कैसे ही अंदर आ गया, कौन से पुण्य किया था, अभी तक चेहरे का इसका प्रभाव भी नहीं हो रहा है। देखो तो इतने छोटे इतने सुंदर बालक, अरे बालक तुम यहाँ क्यों आए हो? नाग पत्नी बोलते हो तुम क्यों आए हो, हमारे पति सो रहे हैं अभी, जल्दी करके यहाँ से चले जाओ, पति अगर जग जाएंगे ना फिर तो तुम्हारा काम ही खत्म हो जाएगा। तब कृष्ण कहते हैं मैं काम खत्म करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, तुम्हारे पति को जगाओ जल्दी करके। तो इतने में जैसे ही ठाकुर जी ने गर्जन की, वहाँ पर उसे गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जोर से गर्जन किया, जैसे सिंह के जैसे गर्जन करके नाग पत्नियों के साथ बातचीत कर रहे थे, इतने में काले ने किया, देखा कि मेरे विवाह में बिल में कोई घुस गया है। इतने सोच के वो भयंकर अपने गर्भ छोड़ते हुए आके देखा कि एक छोटे से बालक घुस गया। अब सबसे पहले ठाकुर जी ने काले को प्रहार नहीं किया, ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मैं अभी इसका काले मारता तो काले के ऊपर दलन करूँगा, काले को मैं अभी मारूंगा, अगर सबसे पहले अगर मैं प्रहार कर लूँ जाके लड़ लूँ तो बोलेगा कि प्रभु मैं तो कुछ किया ही नहीं, आप आके मेरे ऊपर लड़े इसलिए जान बचाने के लिए मैंने भी लड़ पड़ा, इसलिए उसको लड़ने दो। तो ऐसे सोच करके ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। अब काले आके ठाकुर जी को दर्शन करने लगा और अपने पूंछ से ठाकुर जी को गले में लिपट गया, लिपट करके ठाकुर जी को दर्शन करने लगा। तब इतने में पूरा ब्रज में दुर्सम सर्वदासेनम ब्रज नेमम पुराविशम बता रहे हैं कि इतने में पूरा ब्रज में अपशगुन फैल गया, सारे में किसी का आँख फड़कने लगा, कोई किसी का लोटा गिर गया, ऐसे अपशगुन होता है ना, पूरा ब्रज में अपशगुन हो गया। सारे ब्रज में पता चल गया कि अरे कृष्ण कालिया ब्रज में कूद चुके हैं और वहाँ का सबको बीज का प्रभाव का पता था, सब लोग हाँ कृष्ण करके कृष्ण प्रेम में बिहोर होके जा रहे थे। और बदलाव जी लेकिन पूरा थे क्योंकि दाऊ भैया को सब पता है, दाऊ भैया सब जानते हैं, बड़े भैया है ना सब जानते हैं। ये सोच रहे हैं अरे तू ये छोटे मोटे नाच में क्यों खेल रहा है, मैं अनंत नाग हूँ, देखो दाऊ जी के फेस पर क्या है, सिर के ऊपर ये अनंत नाग है कि नहीं, तो बता रहे कि अरे तुम छोटे मोटे नाम से क्यों खेल रहे हो, मैं अनंत नाग उससे खेलते, तुम ही छोटे मोटे नाम से खेलने की तुम्हें क्या जरूरत है। इस प्रकार दाऊ जी हंस रहे, सब लोग काले जी रथ को घेर चुके हैं, ये समझे मैया तो वहाँ देख कर ही मूर्छित हो गई। अब इतने में कृष्ण धीरे धीरे काले जब कृष्ण के ऊपर पार करने लगा, कृष्ण भी बोले भाई अब तो मेरा भी बारी आ गया, ऐसा नहीं है कि तू बस मानते जाओ मैं देखते जाऊँ। कृष्ण ने भी धीरे धीरे करके उसके ऊपर उठे और उसको साथ युद्ध किया, भयंकर युद्ध होने के बाद काले के सर पर चढ़ गए, काले पर सिर पर जैसे ही चढ़ गए तो वहाँ पे काले के एक अभ्यासन था कन्हार बहुत सारा फन था। तो ठाकुर जी एक फन के ऊपर दो फन के ऊपर ऐसे कूदना शुरू कर दिए और दमन करने लगे। तो जैसे दमन करने लगते हैं ठाकुर जी बड़े सुंदर नृत्य करते हैं। अब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं ये देख के साधारण लोग नृत्य करते हैं तो उनके लिए पता नहीं कितने कितने इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। अब ठाकुर जी भी तो नृत्य कर रहे हैं कुछ तो बजना चाहिए। स्वर्ग के देवता खुद को दृष्टि करने लगे, दुंदुभी आदि वाद्य बजने लगा, अक्षरागण वहाँ पर नृत्य करता लेके सब जितने भी देवतागण सब कीर्तन करने लगे और ठाकुर जी तांडव करने लगे।
बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, 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 भगवान नाचने लगे। अब भगवान का कितना बालक स्वरूप है, फिर भी है तो भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक। अब भगवान जैसे ही नाचने लगे काल्या के ऊपर, काल्या के कहां सामर्थ्य है, लग रहा है कि कोटि ब्रह्मांड उसके सर पर टपक गया और वो सोच रहा है कि भाई अब क्या करूं, मुख से रुधिर निकल गया, मुख से सारे विष निकल रहा है, सारे रुधिर निकल रहा है। कटिकाकार कहते हैं मानो उसके अनंत जितने भी उसके हृदय के जो द्वे वो सब निकल रहा है। अब इतने में दूर से ये नाग पत्नी देख रहे थे, नाग पत्नी सोच रहे हैं कि भैया ये हमसे भजन करने नहीं देता, ये काल्या कौन है, ये काल्या द्वैती है तो ये कभी भी भजन करने नहीं देता, नाग पत्नी को कोई भक्ति करने नहीं देता। तो नाग पत्नी सोच रहे हैं कि भैया ये मर जाए तो अच्छा है, क्यों हमें भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं देता। तो देखो संसार में भी यही होता है हमारे साथ, हम सब लोग चाहते हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन कोई पड़ोसी से देख कर भाई ये तो नहीं कर रहा है हम क्यों करें, कोई पति से कोई ना कोई रोग तो आ ही जाता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं देखो ये जो भक्ति वाला चीज है ना, इसमें बहुत स्वयं से बहुत विज्ञानी, भक्ति करने जाओ तो बहुत सारे विघ्न आएगा, फिर भी इसको डटे रहे डट करके भक्ति हमें करना चाहिए। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं देखो भक्ति के लिए अगर हमें पूरा जगत भी छोड़ना पड़े तो हम छोड़ देंगे, बोले कि जाको प्रिय न राम वेदे ही त्यजीय कोटि वैरही सम यद्यपि परमस नहीं। अरे जिसको राम कृष्ण सीताराम राधे श्याम इनको प्रिय नहीं है, त्यजपि परमस नहीं, अगर वो अगर हमारे परम मित्र है फिर भी उसको क्या करो, परम से नहीं है फिर भी उसको क्या कर दो, कोटि वैरही सम उसको करोड़ों करोड़ों शत्रु के समान मानकर उसको छोड़ देना चाहिए जो हमें भजन में बाधा दे रहा है। बोले कौन किसको छोड़ा, कोई तो उदाहरण है कि नहीं, बोले बता रहे कि देखो हाँ छोड़ा है, तेजो पिता प्रहलाद, कौन छोड़ा ना, ये पिता को किसने छोड़ा, ये प्रहलाद ने, और विभीषण बंधु रावण को किसने छोड़ा, विभीषण ने, रावण को भक्ति, रावण विभीषण को भक्ति करने नहीं देता था, राम जी के शरण में जाने के लिए जब विभीषण कहते हैं तो इसने एक लात मारा, तब वहाँ पे अपने भैया को भी छोड़ दिए। और बता रहे हैं कि भरत महतारी, भरत भरत जी अपने माता को छोड़ दिए, क्यों, सोच रहे हैं कि अरे तुमने इतने क्रूर जो तुमने वरदान मांग दिया कि प्रभु को ही, मेरे प्रभु को ही तुमने वनवास भेज दिया, जाओ मैं तेरा मुक्ति। और बता रहे हम कल श्रवण कर रहे थे ना दो तीन दिन पहले, किस प्रकार बलि महाराज जी ने तेजो बलि गुरु, ये बलि महाराज अपने गुरु को त्याग करते हैं और ये गोपियां सारे सर्वस्व को त्याग करके कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तेजो कोटि वैरही सम यद्यपि परम स्नेही, क्यों ना वो हमारे बड़े ही प्रीति हो, बड़े ही प्रेम करने वाले व्यक्ति हो, उसको कोटि वैरही सम उसको त्याग कर देना चाहिए। इसलिए नाग पत्नियां सोच रहे हैं भैया ये मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमें भजन करने देता नहीं, हमें भक्ति करने देता नहीं। अब काव्या को जैसे ही पता चल गया कि भाई ये कोई साधारण नहीं है, क्यों, क्योंकि काव्या भयंकर विषली जहरीला था और इसके जहर का क्या प्रभाव था किसी
सारे ऊपर उठते हुए चिड़िया भी गिरी मर जाता था, जब कुछ छूते ही सब मर जाते थे। लेकिन ये छोटा सा बालक काले के सिर के ऊपर नाच रहा है और काले में लिखते है रक्त बह रहा है। तो काले सोच रहे कि भाई देखो ये तो कोई साधारण हो नहीं सकता, क्यों ना मैं इसके शरण में चला जाऊं। अब काले त्राहि माम रक्ष माम करके काले जैसे ही भगवान के शरण में चला गया। अब इतने में वहां पे जो खड़ी हुई थी नाग पत्नियां वो लोग सोचने लगे, अरे काले का तो हृदय परिवर्तन हो गया, अभी तो हम सोच रहे थे कि मर जाए तो भैया अच्छा है, लेकिन अभी का हृदय परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि पति अब भक्त बनने जा रहा है। घर एक उधर कहते ना, गाड़ी एक पहिया से नहीं चलता, गाड़ी दो पहिया से ही चलता है। तो नागपत्नी तो भक्ति कर रही थी, अब काले भी अगर भक्ति करने लगे तो फिर तो बड़े ही सोने में सुहागा है। तो इतने में सोच करके वहाँ पे काले ने जैसे ही भगवान के शरण करना होता है, ये नाग पत्नियां बोलते हैं कि प्रभु आप इसको कृपा करके छोड़ दो। ये सोचने लगते हैं, देखो यहाँ पे टीकाकार दो बार कहते हैं ये नाग पत्नी बड़ी सुंदरी है। अब नाग पत्नी सोच रहे हैं कि हमारे रहते हुए अगर हमारे पति अगर चले जाए तो सुंदरी व्यक्ति को सबके दृष्टिकोण प्रभाव पड़ता है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे, इसीलिए हमारे पति हमारे साथ अभी रहना चाहिए। और हम हमारे पति तो अभी भक्ति करने लगेगा, इसलिए हम भी अगर भक्ति करने लगेंगे तो हम दोनों मिलके प्रभु के कृपा के पात्र बनेंगे। इस प्रकार नाग पत्नी जाके बड़े ही सुंदर सुंदर में भगवान के पास जाके चरण में प्रणाम करके स्तुति करते हैं। नाग पत्नियां कहते हैं कि हे प्रभु, पता नहीं इस काले ने कौन से ऐसे पुण्य कर लिया, यद वांछा या श्री ललना यदि, जिसको प्राप्त करने में ये श्री यानी लक्ष्मी जी तपस्या करते हैं। अभी भी वृंदावन में जाओ तो ये लक्ष्मी जी वृंदावन के अंदर नहीं है, वृंदावन के बाहर तपस्या कर रहे हैं। क्यों? कभी मैं भगवान के चरणों में, भगवान के मंदिर में, भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या लक्ष्मी सहस्र तपस्या ब्रह्मानंद समामी गोविंद माधि पुरुषम तमहम भजामी। सहस्र सहस्र लक्ष्मी, एक लक्ष्मी की बात नहीं है, हजार हजार लक्ष्मी संभ्रम भाव में यानी भयभीत होके, ऐसा नहीं है कि उनको झाड़ू करने के लिए मिल गया है, नहीं, झाड़ू लेके खड़ी है कि कब हमारे ऊपर कृपा दृष्टि हो जाए और हम वृंदावन में प्रवेश करके झाड़ू लगाएं। ऐसे लक्ष्मियों का स्थिति है। तो बता रहे हैं कि प्रभु इस लक्ष्मियों को भी जो चरण धूलि नहीं मिल पाता, उद्धव जी जैसे महाभागवत चरण धूलि के लिए स्तुति करते हैं, नारद जी बन गए नारद कुंड, शिव जी बन गए गोपी, और उद्धव जी बन गए भात, लक्ष्मी मेलबन में तपस्या कर रहे, इसमें कौन सा ऐसे पुण्य कर लिया जो प्रभु इसको आपके चरण धूलि प्राप्त कर रहे। बलि महाराज जी ने तो दान किया था, इसलिए बलि महाराज जी को आपने एक चरण दे दिया। शिव जी ने तो ध्यान किया, इसलिए आपने अपने चरणों को शिव जी को ऊपर दे दिया। शिव जी जटा के ऊपर धारण करते हैं गंगाधर, जटा के ऊपर गंगा को धारण किया, भगवान के चरणामृत को धारण किया, इसलिए उनका नाम हो गया गंगाधर। शिव जी ने दान किया, बलि ने दान किया, लेकिन इसने ना ध्यान किया ना ध्यान किया, कुछ भी नहीं किया, और जोर जबरदस्ती से दो दो चरण ले ले करके आप पूरा उसको ऊपर ही दे रहे हो। कौन से ऐसे पुण्य भूमि पुण्य कर दिया ये काले ने कि आप उसको इतने प्रसन्न हो रहे हो? आप तो त्रिलोकी पति हो प्रभु, आप हमारे ऊपर तुरंत की बात करके इस काले को आप क्षमा कर दो। जैसे ही नाग पत्नियां बड़े सुंदर सुंदर वहां पे स्तुति करते हैं, ये काले नाग फिर काले नाग को दशा को देख के ठाकुर जी नीचे उतर आए। जैसे ही नीचे उतर आ गए ठाकुर जी, तब ये काले भी भगवान को स्तुति करते हैं। बोले काले बोलता है प्रभु बताओ मुझे सांप किसने बनाया, इस जगत को किसने बनाया? मैंने। बोले मुझे किसने बनाया? मैंने। बोले बताओ मुझे सांप जो सांप का जो स्वभाव क्या होता है, सांप का स्वभाव क्या होता है? जहर उगाड़ना। सांप का स्वभाव जहर उगाड़ना होता है या अमृत उगाड़ना, बताओ? जहर। तो प्रभु आपने ही मुझे बनाया, आपका ही दिया हुआ जहर है, अब बताओ मैं जहर नहीं उगालू तो क्या उगालू? काले बोल रहा है कि आप बताओ प्रभु मैं जहर ही तो उगाता हूँ, आपने बनाया आपने ही दिया। तो ठाकुर जी बोलते हैं वे काले यहाँ पे नहीं, ये मेरे लीला स्थली है, लेकिन तुम यहाँ पे मैं तुम्हें एक साथ दे रहा हूँ, तुम यहाँ से रमणक द्वीप चले जाओ। अभी अभी फिजी में
बता दिया जहाँ पे है अभी भी विद्यमान है भगवान ने यहाँ से वृंदावन में हम लोग ने भी रखा है प्रचार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का कीजिए। इतने बढ़िया स्थान सोच भी नहीं सकते, बढ़िया इतने सुंदर स्थान, चारों तरफ में समुद्र टापू, वहाँ पर अभी भी एक स्थान है वो कालियों को, वहाँ के लोग कालियों को पूजा करते हैं एकदम कालियों जैसे, और वो धीरे 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 वो धीरे धीरे पढ़ रहा है, वो धीरे धीरे कालियों बढ़ रहा है और धीरे धीरे ऊपर उठे हुए जा रहा है। मैं वहाँ पर गया था दर्शन करने के लिए, अभी भी वो कालियों को पूजा करते हैं वहाँ के सबके सलभ, विदेश से भी कालियों की पूजा होती अभी भी स्थान। तब अभी भी उस स्थान पे ठाकुर जी ने रमणक युग भेज दिया। अब कालिया बोल रहा है प्रभु मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे गरुड़ जी नहीं आते, बड़ा विस्तृत प्रसंग है क्योंकि कुछ श्राप के प्रभाव से गरुड़ जी उस स्थान पे नहीं जाते, लेकिन रमणक द्वीप में तो गरुड़ जी हैं और गरुड़ और नाग वंश में तो भयंकर शत्रु है, गरुड़ जी में और नाग वंश में शत्रुता के कारण मैं वहाँ जा ही नहीं सकता, गरुड़ जी तो मुझे मार डालेंगे। तब भगवान कहते हैं देखो मैंने तुम्हारे सर पे नृत्य किया ना, अभी तांडव किया ना, तुम्हारे सर पे चरण चिन्ह दिया है, तुम क्या करना गरुड़ जी अगर मारने आए तो उनको दिखा देना, सर को नीचे कर देना, सर को नीचे कर देना, गरुड़ जी भी तुम्हें प्रणाम करेंगे। तो टीकाकार कह रहे हैं देखो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, कोई भी अगर हमें हमारे सामने शत्रु आए, कोई भी हमारे अगर बैरी आए, अगर हम उसके अगर प्रणाम कर ले, हम उसके अगर सामने सेना को प्रकाशित कर ले, झुक जाए, तब वो अगर हमें मारने के लिए क्यों ना आए वो हमें छोड़ देगा। अब यहाँ पे और एक बात है, वो स्वामी वर्ग कहते हैं कि भैया कालिय ब्रज में इस प्रकार बात करना और कालिय पे इस प्रकार कृपा कैसे हो गया, तो बता रहे हैं देखो भक्त सत्संग का प्रभाव है। बोले कालिय कब सत्संग किया, कालिय कब साधु संघ किया, ये साधु संघ का प्रभाव से कृष्ण उसके चरण का धूलि दे दिए, तो बता रहे हैं कि कालिय ने कब साधु संघ किया, तो बता रहे हैं कि ये जो नाग पत्नी आए ये परम भक्तिमय है और ये नाग पत्नी मन ही मन हर समय कृष्ण को भक्ति करते हैं, भगवान को ध्यान करते रहते हैं, आपस में कथा कीर्तन करते रहते हैं, इसलिए ये हो गए साधु और इनके संग में कालिया रहता था, इसलिए एक दिन भगवान नाग पत्नियों को भी तो दर्शन दे ही दिए और साधु संघ के प्रभाव से देखो स्वयं भगवान मिल गए, संघ के प्रभाव से स्वयं भगवान मिल गए। अब इतने में कालिया को तो भगवान ने भेज दिया और जैसे ही बाहर अपने अमृतमय दृष्टि से वहाँ पे जितने भी गो थे, जो जो लोग वहाँ पे बीच के स्पर्श से मूर्छित हो गए थे, वो सबको अमृतमय दृष्टि से भगवान ने उनको पुनः चेतना शक्ति प्रदान कर दिया, सब लोग उठ के खड़े हो गए और अपने मंगलमय दृष्टि से करुणा दृष्टि से पूरा जिकालें हृदय को भगवान ने पूरा विषमुक्त कर दिया और पीने योग्य उपयोग योग्य भगवान ने कर दिया। अब यशोमती मैया तो जैसे ही कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण सोच रहे हैं कि अब तो मेरा ब्रज में जय जयकार होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया ना, आगे रात पूरा करूँगा, अभी कालिय के ऊपर नाच लिया, कालिय के ऊपर नाचना, देखो जगत में बहुत सारे नृत्य है, आप लोग देखे होंगे कोई रस्सी के ऊपर नाचते हैं, कोई ग्लास व्लास के नृत्य करते हैं, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े डांसर हैं, लेकिन सांप के ऊपर नाचना कौन नाचा है भाई, इस प्रकार सांप के ऊपर किसका साहस है कि सांप के ऊपर नाच रहा, वो भी कालिय जैसे भयंकर जहरीला सांप। तो कृष्ण सोच रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं कलर उठा के आज जाऊँगा, आज तो मेरा जय जयकार होगा। कृष्ण जैसे ही मैया के पास गए, बोले मैया मैया पतोहे मैंने आज कालियों के ऊपर चल गया, तो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण को मैया और डांट लगा के बोलते देख तुमने आज काली के ऊपर चढ़ गया, चल तुम्हारे घर चल, तुम्हारे अभी व्यवस्था भर लूंगा। तो सारे ब्रजगोपी सोच रहे हैं कृष्ण यद्यपि लीला करते हैं, लेकिन सारे ब्रजगोपी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, सारे ब्रजगोपी एक दूसरे में बात कर रहे हैं, अरे ये कृष्ण को देख करके शायद कालियों को दया आ गया होगा, हमारे नंदलाल को देख के कालियों को दया आ गया होगा, इसलिए कालिया ने कुछ नहीं किया। तो कृष्ण बोलते हैं अरे कालिया ने कुछ नहीं किया तो मैंने उसके ऊपर नाच रहा था, देखा नहीं मैंने उसके ऊपर कितना सुंदर रूप से नाच रहा था। तो ब्रजगोपी बोलते चुप कर, तू कहाँ नाच रहा था, ये तो कालिय तुम्हें देख करके मोहित हो गया और अपने सर पे धारण कर लिया। बोले भैया मैं इतने देर तक नाचा, तू बोलते सर पे धारण कर लिया और नहीं तो क्या, कालिया जब एक मन दो मन हिला रहा था कि लग रहा था तू नाच रहा है,
लेकिन तुमने नाचा नहीं, ताले ही अपने फन को हिला रहा था। इस प्रकार ठाकुर जी ब्रज में ये तालिया दलन लीला करते हैं। बोल तालिया दमन लीला की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, और प्रेमानंदे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय आज के आनंद की। ये सब बच्चे लोग आपको कथा सुना रहे हैं, अभी तो हम बूढ़े हो गए तब फिर सुनाएंगे, इसलिए बच्चे को तैयारी कर रहे हैं, ये लोग आपको कथा सुना। अभी प्रभु जी आपको भगवान के से रास रचाया, रास लीला को वर्णन प्रभु जी ने, ठीक है। इसलिए बच्चे लोग ना बहुत लिखते पड़े, ये जो कथा सुना रहा था ये बच्चे क्या हुआ जगत में हरि भक्ति सब करे, जगत में भक्ता भजन करते हुए जीवन सफल बनाए, इसलिए उन्होंने सब भावों को छोड़ करके भक्ति में जय करके जगत में हरि सनातन ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सती गौर भक्त वृंद। सभी पर हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदी गुरुपाद पद्म परमाराधितम शिष्य भक्ति के दान श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ।
तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। हम श्री गुरुदेव की मुखारविंद से श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं आज सप्तम दिवस। और जिस प्रकार भोजन के अंत में रसगुल्ला या कुछ भी मिष्टी देकर मधुर समापन का नियम बनता है, उसी प्रकार ये रासलीला जो आज गुरुदेव आदेश करें वर्णन करने के लिए, यद्यपि उनके मुखारविंद से श्रवण करते हुए इसकी शोभा ही कुछ और होगी, फिर भी उनका आदेश पालन करने के लिए जो कुछ उनसे श्रवण किया है उसी का सर्वण करने की चेष्टा करूँगा। श्री सुखदेव गोस्वामी जब श्री रासलीला को वर्णन करते हैं, दशम स्कंध ने 5 अध्यायों के अंदर श्री रासलीला का वर्णन किया और दशम स्कंध को बताया भगवान का मुखारविंद। ये भागवतम के 12 स्कंध नहीं है, ठाकुर साक्षात ठाकुर का श्रीअंग ही है और उसमें से दशम स्कंध भगवान का मुखारविंद। अभी कोई व्यक्ति प्रसन्न है ना दुखी है इसका कैसे पता लगाएंगे? टीकाकार कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति हसमुख है, अगर चेहरे पर स्माइल है, हंस रहा है, तो देखने से पता लगता है कि व्यक्ति बड़ा प्रसन्न चित्त है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ग्रंथ दशम स्कंध को बतलाया मुखारविंद, लेकिन उसके अंदर जो हंसी है ये है श्री रासपंचक। और श्री सुखदेव गोस्वामी जब रासपंचक का वर्णन करते हैं पहले ही सभी को सावधान कर देते हैं, क्योंकि रास को श्रवण करके सभी के मन में नाना प्रकार की कुछ गलत भावना आती है। रास को लोग श्रवण करके नाना प्रकार की अनर्गल बातें भी करते हैं, इसलिए रास करता कौन है उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी सावधान करते हुए कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरं तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। सर्वप्रथम श्लोक वर्णन किया भगवान अपिता रात्रि, प्रथम शब्द जो कहा है कहते हैं भगवान। ये रासकर्ता कोई साधारण बद्ध जीव नहीं हमारी तरफ, रासकर्ता कौन है? भगवान। भगवान का क्या अर्थ हुआ? भगवान का अर्थ हुआ जो दिन को रात कर दे, जो असंभव को भी संभव कर दे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं भगवान मतलब जिनके पास 6 ऐश्वर्य विराजमान। कौन कौन से? ऐश्वर्य से समग्र सस्य, वीर्य से यशस्य श्रेय, ज्ञान वैराग्यश्चैव षड्नाम भक्त इतिंगण। बहुत ध्यान देकर सुनिए, हम आज के समय पर सोशल मीडिया से या टीवी इत्यादि देखकर उससे प्रभावित होकर जिस किसी को भगवान मान लेते हैं, लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान कौन हो सकता है? अभी सुन रहे थे ना, भगवान ने कालिया के सिर पर नृत्य किया, कोई विष खा सकता है? भगवान ऐसे विषैले कालिया हृदय के अंदर प्रवेश करके और कालिया का मर्दन किया। आज के समय पे जो अपने आप को भगवान बतलाते हैं, जाकर उनके मुख में थोड़ा सा विष देकर देखो, सारी भगवत्ता निकल जाएगी। हम गिरिराज गोवर्धन का प्रसंग सुन रहे थे, भगवान ने किस प्रकार 7-7 दिन तक गिरिराज जी को कनिष्ठ अंगुल पर धारण किया, वाम हाथ की कनिष्ठ अंगुल पर 7-7 दिन तक 7 कोस गिरिराज, इस साधारण व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। आज के समय पे जो अपने आप को भगवान कहकर बतलाते हैं, जरा 1 क्विंटल पत्थर उनके सर पर रखकर देखो, सारी भगवत्ता उसी समय पर निकल जाएगी। इसीलिए भगवान या श्री सुखदेव गोस्वामी सावधान करते हुए कहते हैं कि भैया रासकर्ता साक्षात भगवान है। भगवान जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जब श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु जी श्री सांदीपनि मुनि के पास में गए थे, उन्होंने 64 दिन के अंदर 64 विद्याएं सीखी। 64 दिन के अंदर 64 विद्याएं। भगवान देखो यहाँ पर अपनी भगवत्ता जब उन्होंने प्रकाशित करी, सांदीपनि मुनि समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है। उन्होंने सोचा कि इनसे हम हमारे मरे हुए पुत्र को मांगेंगे, अपनी पत्नी से कहते हैं हमारा जो मृत पुत्र था उसी को हम पुनः मांगेंगे, क्योंकि ये साक्षात भगवान है। गुरु दक्षिणा में जब सांदीपनि मुनि ने ऐसी याचना करी, भगवान ने स्वयं समुद्र के अंदर जाकर उनके मरे हुए बच्चे को ला दिया। हरे व्यक्ति को केवल मात्र भगवान के अलावा कोई जीवित नहीं कर सकता। एक बार ही नहीं, जब द्वारका में ब्राह्मण पुत्रों की हत्या हो जाती थी उस समय पे भी भगवान ने क्या किया, साक्षात यमलोक से मृत ब्राह्मण पुत्रों को भी ले आए। तो मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना किसी के बस की बात नहीं, केवल मात्र भगवान के लिए ही संभव है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज जब वृंदावन के अंदर शरद पूर्णिमा की रात उपस्थित हुई है, आकाश में पूर्ण चंद्र उदित है,
और उसको देखकर दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नवतुम कुमारुणम वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगो कलम वाम दृशाम मनोहरम। भगवान ने जब सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखा, आकाश में पूर्ण चंद्र उदित है और उस चंद्रमा की छटा प्राची दिशा की ओर फैली हुई थी। बड़े सुंदर सुंदर मल्लिका चंपा के पुष्प खिले हुए हैं और सारा वृंदावन उन पुष्प की सुगंध से सुशोभित हो रहा है। और उसको देखकर भगवान के हृदय में भी, भगवान कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो आत्मा राम है, आप्त काम है। माता आप लोग बैठ जाओ, जब कथा हो जाएगी बीच में कीर्तन के समय पे आ जाना। माता जी मैं से दे दो, बैठ जाओ। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आत्मा राम जिनके हृदय में कोई भी इच्छा बाकी नहीं रह गई है, ऐसे आत्मा राम भगवान ने भी इच्छा करी रमण करने की। आत्मा राम अपनी अरिरमन, कि जिन भगवान की कोई इच्छा बाकी नहीं है, ऐसे भगवान ने आज रास लीला करने की इच्छा जाहिर करी। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करनी है। आप लोगों ने सुना होगा ब्रज गोपियों ने एक महीना तक कात्यायनी देवी की पूजा करी। कात्यायनी देवी की पूजा करके उनसे क्या मांगा? बोले कात्यायनी महामाये महायोगी न्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरु में नमः। ये जो ब्रज में गोपी रूप में जिन जिन ने भी जन्म लिया है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ना ही कृष्ण कोई साधारण पुरुष है और ना ही ब्रज की गोपियां कोई साधारण स्त्री है। जिन जिन ने भी ब्रज में गोपी रूप में जन्म लिया है, वो पूर्व पूर्व जन्मों में ऋषि मुनि, सारी वेद की ऋचाएं, दंडकारण वंश के जो तपस्वी थे, सभी लोग द्वापर युग में गोपी बन के आए हैं। और आज कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को देखकर उनकी इच्छा पूर्ण करने का प्रण लिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। निशम्य गीतम सदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा आज गुरन्योन्यम लक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडल। कृष्ण जब नंद भवन में खड़े हुए थे, खिड़की के अटरिया से पूर्ण चंद्र को देखा और अभी वन की ओर आ गए हैं। वन में आकर एक कदंब वृक्ष के नीचे खड़े होकर भगवान ने बड़ी सुंदर वेणु नाद करी। इतना सुंदर वेणु का शब्द भगवान ने अपनी मुरली से छोड़ा है, विषम्य गीतम तदनंग वर्धनम। उस ब्रज गोपियों के कानों में जब ये वेणु का स्वर गया, सब अपना मन प्राण चित्त सुदबुद्ध सब हो गए। और श्री सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देकर बताते हैं, जैसे कोई चोरों का सरदार, चोरों का सरदार क्या करता है? बोले खुद तो बैठा रहेगा घर में और अपनी फौज को भेज देगा चोरी करने के लिए। यहाँ पर कृष्ण वो वन के अंदर कदम वृक्ष के नीचे खड़े हैं, लेकिन उनकी सेना ये आज वंशी, ये वंशी ध्वनि ने क्या किया, ये ब्रज की ओर चली गई। और ब्रज की ओर जाकर जब उसने देखा समस्त ब्रज गोपियां, जैसे चोर घर में घुसता है तो दरवाजा अगर लॉक हो तो क्या करेगा, कुछ और उपाय करेगा। लेकिन आज क्या हुआ है, ब्रज गोपियां अपने कान रूपी कपाट इन द्वारों को खुला ही रखकर बैठी थी और इस मुरली रूपी चोर ने, इस वंशी ध्वनि ने क्या किया, इन कानों के माध्यम से ब्रज गोपियों के हृदय में प्रवेश कर दिया। और उनके हृदय में उनकी जो संपत्ति थी, कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति, जो उनका लज्जा, वो उन्होंने बड़े ही सहज कर, बड़े ही सिक्योर करके रख रखा था, आज उसको हरण करके और ये वंशी ध्वनि चली जा रही है। इतना सुंदर शब्द था जिसको देखकर, जिसको सुनकर ब्रज गोपियां मानो उनका धन संपत्ति इतने समय तक एकत्रित करी हुई जो लूट कर ले जाए क्या अवस्था होगी। ब्रज गोपियां भी वहां से भागने लगी उस चोर के पीछे। अरे भाई, हमारा कोई धन संपत्ति लूट कर अगर भाग रहा हो, चोर को अगर हमने सामने देखा है उसे जाकर पकड़ेंगे नहीं, निश्चित रूप में पकड़ेंगे। आज इसी प्रकार ब्रज गोपियां उस वंशी ध्वनि को सुनकर मानो खींची चली आ रही है। और खींची चली जब आती है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, युहंत्यो अभियुकाशित दोहम हित्वा समुत्सुका। घर के अलग अलग कामों में अलग अलग गोपियां व्यस्त थी। कोई गाय का दोहन कर रही थी, गाय का दोहन करते करते ही वंशी ध्वनि वहां पर उपस्थित हुई, उनके कानों में गई और कानों में गहकर कहने लगी कि अरे तू कहां यहां पर गौ दोहन कर रही है, कृष्ण तुझे बुला रहे हैं। तो उस गोपी ने क्या किया, उसी समय पर गौ दोहन का परित्याग करके
और वंशी धोनी के साथ साथ चलने लगी। लेकिन थोड़ा आगे जैसे ही चली थी, जो दूध की बाल्टी जिसमें ध्वजारोहण किया था उसको भी ठोकर मारकर फेंक दिया। टीकाकार प्रश्न करते हैं कि भैया चली जाना था तो ऐसे ही चली जाती, ये दूध के पात्र को क्यों तूने फैला दिया? ब्रज गोपी के हृदय का भाव है कि अगर इस दूध के अंदर आसक्ति रहेगी तो इस दूध का स्मरण कृष्ण के संग मिलन करने पर यदि आ गया तो उतने ही क्षण के लिए कृष्ण का विस्मरण हो जाएगा। इसीलिए क्या किया, दोहम हित्वा उस बाल्टी को वहीं पर, उस पात्र को वहीं पर फेंक कर और कृष्ण की ओर धाई हुई। कोई गोपी अपने पति को परिवेशन कर रही थी, भोजन करा रही थी, उसी समय पर उसको परित्याग करके और कृष्ण की ओर पीछे पीछे आई है। कोई गोपी घर में रंगन कर रही थी। देखो ये सारे काम जो शुक्ल गोस्वामी ने वर्णन किए हैं, ये सारे ऐसे काम हैं जिसमें माताओं की बड़ी रुचि होती है। घर में खाना पकाना, गाय का दोहन करना, पति को परिवेशन करके उसकी सेवा करना, बच्चों को दूध पिलाना, शुक्ल गोस्वामी ने ऐसे 10 कार्यों का वर्णन किया। समय संक्षेप है इसलिए उसका वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं ना 10 काम छोड़ के ठाकुर का भजन करो, तो वही 10 कामों का, विशेष कामों का वर्णन किया शुक्ल गोस्वामी ने। और घर के कामों की तो बात छोड़ दो, लेकिन माताओं को अपने स्वयं के श्रृंगार में बड़ी रुचि होती है। और कुछ काम ठीक से करे ना करे, लेकिन अपना मेकअप बड़े ध्यान से करती है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लिम्पन्त्यो प्रव्रजन्तन्ना, अरे कोई गोपी अपने गाल पर उबटन लगा रही थी, उस उबटन को भी वहीं के वहीं पर लगा छोड़कर और कृष्ण की मुरली ध्वनि सुनकर इतनी बावरी हो गई कि वहीं से कृष्ण के पीछे पीछे भागने लग गई। सब अस्त व्यस्त श्रृंगार है, गले का आभूषण कमर में पहन लिया, पैरों की पायल गले में पहन ली, कुंडल को माथे का टीका बनाकर और अस्त व्यस्त वस्त्रों से ही क्या करा है, कृष्ण की ओर धावित हो रही है। जैसे ही कृष्ण के पास में उपस्थित हुई, कृष्ण भी उनके साथ में स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह व्रजस्यानामयं गच्छे श्रुतागमन कारणम्। जो गोपी अपना सर्वस्व परित्याग करके देह की सुधबुद्धि छोड़कर और आज कृष्ण के सामने उपस्थित हुई है, कृष्ण उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम ओ महाभागा प्रियं किं करवाणि वह, अरे तुम जो लोग सब कुछ परित्याग करके और मेरे पास में आई हो, तुम सच में महाभाग्यवान हो। जो कृष्ण के लिए सर्वस्व परित्याग करके उनकी शरण में आते हैं, कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, कृष्ण सेवा करने के उद्देश्य से आते हैं, सच में वे बड़े ही भाग्यवान हैं। और ऐसे भाग्यवान जीवों का साक्षात कृष्ण स्वागत करते हैं। कृष्ण ब्रज गोपियों का स्वागत करते हुए कहते हैं कि तुम बड़ी भाग्यवान हो, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक बात बताओ, अरे इतनी रात्रि के अंदर तुम इस वन के अंदर क्यों आई हो? ब्रज गोपियां सुनकर आश्चर्यचकित हो गई, बोले अपनी मुरली ध्वनि बजाकर खुद ने हमको बुलाया और हम जब यहाँ पर आई हैं तो हमारे साथ हमसे पूछते हैं क्यों आई हो? कृष्ण ब्रज गोपियों को उपदेश देते हैं। रजन्येषा घोर रूपा घोर तत्व निषेविता प्रतियात व्रजन्नेहम् हेयम् स्त्री सुमध्यमा। कृष्ण कह रहे हैं कि इतनी रजन्येषा घोर रूपा, अरे रात्रि का समय है, घनघोर वन है, ऊपर से यहाँ पर पशु भी हैं, और तुम अकेली इतनी सुंदर दिखने वाली स्त्री भी सुमध्यमा, इतनी सुंदर ब्रज स्त्रियां तुम दिखने में हो, तुम क्यों यहाँ पर चली आई हो? क्या ब्रज में कोई विपत्ति आ गई? क्या कोई असुर ने प्रहार कर दिया? बताओ क्या बात है? लेकिन फिर कहने लगी कि अगर ब्रज में विपत्ति आती तो केवल मात्र तुम ही नहीं आती, समस्त ब्रजवासी आने चाहिए, लेकिन तुम ही आई हो, अच्छा लगता है इस वन की शोभा देखने आई हो। आज पूर्णिमा का दिन है और वन देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है, तो इसीलिए लगता है तुम वन की शोभा देखने आई हो ना। ठीक है ठीक है, वन की शोभा को दर्शन करो और पुनः अपने घर में चले जाओ। कृष्ण यहाँ पर देखो बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। कृष्ण कहने लगे कि देखो पति कैसा भी क्यों ना हो, लूला लंगड़ा स्वभाव से बड़ा ही क्रोधी लालची, लेकिन पति की सेवा करना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कृष्ण यहाँ पर ब्रज गोपियों के साथ में हंसी दिल की कर रहे हैं, चिटोली करते हैं और उनको सुंदर शिक्षा देते हुए कहते हैं कि पति की सेवा करो, तुम्हारा पति कैसा भी क्यों ना हो, पति की सेवा करने में एक पतिव्रता स्त्री उसके धर्म को यदि कोई ठीक ठीक रूप में याचन करे उसके अंदर बड़ी शक्ति होती है। कृष्ण उस समय पर एक कहानी सुनाने लगे, आप भी बड़े ध्यान से सुनिए। कृष्ण कहने लगे कि एक समय पर एक पतिव्रता स्त्री थी,
अपने घर में रन्नत करके, पहले के समय में तो चूल्हे में खाना बनता था, तो चूल्हे में उसने खाना बनाकर और अभी अपने पति के पास में आई है। पति से बात करते करते क्या हुआ, पति उसकी गोद में सर रखकर और सो गए, लेकिन उसका एक छोटा बालक भी था। वो छोटा बालक नींद से उठ के और अभी खेलने लगा है। पति सो रहे हैं गोद में, छोटा बालक खेलते खेलते अभी जाने लगा है चूल्हे के पास में। चूल्हे में अभी भी कुछ कोयला रखा हुआ था, राख रखी हुई थी जो जल रहा था। अब ये ब्रज स्त्री, ये जो सती स्त्री थी, ये मनी मन विचार कर रही कि हाय राम, ये कैसी उपस्थिति, ये कैसी अवस्था उपस्थित हुई है। इस तरफ तो मेरे पति मेरी गोद में सर रखकर सो रहे हैं, अगर मैं बच्चे की रक्षा करने जाऊं तो पति की नींद टूटेगी, अगर पति की नींद नहीं तोड़ू तो बच्चा जाकर चूल्हे में गिर जाएगा। फिर इसने मनी मन विचार किया कि कुछ भी हो, मैं अपने पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। एक सती स्त्री का सर्वश्रेष्ठ कर्म है उसके पति का ही सुख देखना। तो उसने क्या किया, बच्चे का जो भी हाल हो चिंता नहीं, मैं अपने पति की नींद नहीं उड़ाऊंगी। वहां पर वो अपने पति को गोद में लेकर बैठी रही। बच्चा देखते ही देखते और जाकर चूल्हे की आग में गिर गया। एकता देखकर ही तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। इस तरफ जैसे ही पति की आंख खुली है, पति ने पूछा कि लाला कहाँ है। उसने बोला कि इसी तरह से बात हुई, आप मेरे गोद में सर रखकर सो रहे थे और बच्चा जाकर तो चूल्हे में गिर गया। पति ने कहा चलो चलो हम तुरंत देखते हैं क्या हाल है बच्चे का। जाकर जैसे ही उन्होंने चूल्हे के पास में देखा, वो छोटा सा बालक उस चूल्हे की अग्नि में भी किलकारी मारते हुए खेल रहा है। अग्नि की दाहिका शक्ति भी वहां पर कम हो गई, क्योंकि उस पतिव्रता स्त्री के सती धर्म में इतनी शक्ति थी, अग्नि उस बच्चे को जला नहीं पाई, इतनी शक्ति है सती स्त्री यदि कोई अपने पतिव्रता धर्म का पालन करे। जब ब्रज गोपियों ने ये कथा सुन ली, कहने लगी कि देखो कृष्ण, हम भी एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं। कृष्ण कहने लगे ठीक है बताओ। तब उस समय पर ब्रज गोपियां कहने लगी कि दो पति पत्नी एक घर में रहते थे और क्या करते थे, अपने आराम से, वो स्त्री भी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति की सेवा करती थी, पति के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाती थी, उसी के लिए सब श्रृंगार इत्यादि करती थी। कुछ काम से पति को 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। स्त्री प्रश्न करने लगी कि देखिए मेरी तो सारी क्रियाएं आपके लिए होती है, आप अगर 7 दिन के लिए चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी, मैं आप ही के लिए श्रृंगार करती हूँ, आप ही के लिए भोजन बनाती हूँ, आप इसका कुछ उपाय करके जाइए या तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। पति कहने लगे कि चिंता मत करो, मैं 7 दिन बाद में वापस आ जाऊंगा और तुम क्या करना, मैं अपनी फोटो लेकर जा रहा हूँ, तुम जो भी हो इस फोटो के साथ में बात करना, इस फोटो को ही भोग लगाना, इस फोटो की सेवा करना। ठीक है, अभी 7 दिन तक वो स्त्री उस फोटो की ही सेवा करती है। 7 दिन बाद में जब पति वापस आया, ब्रज गोपियां कहती है कि पति अभी घर के बाहर खड़ा है। ब्रज गोपियां कृष्ण से प्रश्न करती है कि हे कृष्ण उत्तर दो, क्या उस स्त्री को दरवाजा खोलकर पति का स्वागत करना चाहिए, ना उस फोटो के साथ में ही जैसा व्यवहार कर रही उसी के साथ में रहना चाहिए। कृष्ण कहने लगे कि अब तो जब असली पति आ गया है तो उस फोटो से क्या प्रयोजन, असली पति का दरवाजा खोलकर स्वागत करे। ब्रज गोपियां कहने लगी तुम्हें उत्तर मिल गया। बोले क्या मतलब। बोले तुम्ही ने तो गीता में कहा ना, पिता अहमस्य जगत धाता माता पितामह, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा बंधु हूँ, है ना। तो अगर हमारे परम पति, हमारे असली पति तो तुम हो, अरे हमें पति की सेवा करने की शिक्षा दे रहे हो जो हमारे घर में है, वो सब पति तो नकली है, असली पति तो परम पति तो हमारे तुम ही हो, इसलिए आज हम यहाँ उपस्थित हुई है तुम्हारी सेवा करने के लिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ब्रज गोपियां कहती है कि तुमने हमें बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं, और जो उपदेश देता है वो तो गुरु हो जाता है, और शास्त्र कहते हैं प्रथमं तु गुरु पूज्यं ततश्चैव मम अर्चनं। ठाकुर स्वयं कहते हैं कि सबसे पहले गुरु की सेवा करो, सबसे पहले गुरु की पूजा करो। अगर तुम्हारे मुख से इतने सुंदर उपदेश श्रवण करके भी हमने तुम्हारी सेवा ना करी तो फिर हम आपके वचन झूठे हो जाएंगे, इसलिए हम तो यहाँ पर आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। यहाँ पर ब्रज गोपियों और कृष्ण के बीच में बड़ा ही सुंदर कथोपकथन हुआ है। ब्रज गोपियों ने कृष्ण से प्रणय की भिक्षा करी, जिसको प्रणय गीत के नाम से जानते हैं। बड़ा सुंदर रूप में वहां पर प्रणय गीत है, और इसके बाद में कृष्ण ने क्या किया, जो जो गोपी जिस तरह से आई थी, श्रृंगार अस्त व्यस्त ही क्यों ना हो, कृष्ण ने उसको सुंदर रूप में श्रृंगार कर दिया।
जो गले का हार कमर की गर्दनी में पहनकर आई थी उसको ठीक कर दिया। जिसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे उनको ठीक रूप से श्रृंगार कर दिया। सुंदर केश में गजरा लगा दिया। और कृष्ण यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो अगर हमारा ठीक रूप में कोई श्रृंगार कर सकता है तो केवल मात्र कृष्ण ही। हम अगर कृष्ण के शरणागत होकर उनके पास में जैसे भी क्यों ना हो एक बार यदि चले जाएं, वो हमें ठीक कर देंगे। भजन सुना होगा ना आपने, आओ मेरी सखियों मुझे मुझे श्याम सुंदर की, है ना। तो कृष्ण ही हमारा ठीक रूप में हमें ठीक ठीक श्रृंगार कर सकते हैं। कृष्ण भी यहाँ पर ब्रज गोपियों के साथ में उन्होंने रास करना आरंभ किया है। कृष्ण इतने जोर जोर से नृत्य कर रहे थे वहां पर। रास है क्या? रसानाम समूह इति रास। जहाँ पर नृत्य विद्या इत्यादि हो वही हलीसक नृत्य होता है, जो बहुत ही जोर जोर से किया जाता है उसी को ही रास कहा जाता है। तो इसीलिए कृष्ण यहाँ पर समस्त ब्रज गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे। ब्रज गोपियों की इतनी सेवा कर रहे थे कृष्ण, मनी मन यदि किसी ब्रज गोपी को पसीना आ जाता कृष्ण स्वयं अपना दुपट्टा लेकर पहुंचने लगते। कोई गोपी अगर थक जाती कृष्ण कह रहे हैं कि क्या थक गई हो, तुम्हारे चरण दबा दो। समस्त ब्रज गोपियों को तो इतना वहां पर सौभाग्यमत हो गया कि हमारे समान सौभाग्यवान तो जगत में कोई है नहीं। कहा कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, लेकिन आज हमारे प्रेम के इतने वशीभूत हो गए। और वहां पर राधा रानी भी थी। राधा रानी मनी मन विचार कर रही हैं कि कृष्ण का जिस प्रकार व्यवहार मेरे साथ है उसी प्रकार समस्त ब्रज गोपियों के साथ में है। क्या मेरे में और ब्रज गोपियों में अन्य गोपियों में कोई फर्क नहीं है? तो इसलिए श्रीमती राधा रानी को मान हो गया। अब जब श्रीमती राधा रानी को मान हुआ तो राधा रानी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। और उस समय पर क्या हुआ? तासाम तत् सौभाग्य मदम विक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रेवान्तर्नियते। भगवान कृष्ण भी वहां पर अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण ने क्या किया? अपना भेष बदल कर और श्रीमती राधा रानी का मान को प्रशमित करने के लिए, ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए कृष्ण ने क्या किया? वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्रीमती राधा रानी को साथ में ले लिया, एक ब्रज गोपी का वेश धारण किया और श्रीमती राधा रानी को ले जाकर एक कुंज में उनका बड़ा सुंदर रूप से श्रृंगार किया है। आप लोग यदि वृंदावन जाएंगे वहां पर एक श्रृंगार वट है, वही स्थली है जहां पर कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को सुंदर पुष्पों से श्रृंगार किया। यहाँ पर ब्रज गोपियों को जिस प्रकार कृष्ण से वियोग हुआ है, कृष्ण के अंतर ध्यान होते ही तो सब ब्रज गोपियां बागरी हो गई और कृष्ण से वियोग के कारण इतनी क्रंदन कर रही हैं, जगह जगह पर कृष्ण को स्मरण कर रही हैं, कृष्ण को खोजने की चेष्टा कर रही हैं। और कृष्ण को खोजते 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 अभी जैसे ही थोड़ा आगे निकली, लता पताओं से प्रश्न करने लगी। हे लताओं, हे पताओं, हे ब्रज के वृक्षों, तुमने तो कृष्ण को देखा होगा, अरे हमारे प्रियतम किस ओर गए हैं, तुम जरा बतला दो। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ब्रज गोपियां वृक्षों को ताना देते हुए कहती है कि अरे तुम तो पुरुष जाति हो ना, तुम हमारे कष्ट को क्या समझो, इसलिए तुम उत्तर नहीं दोगे। वहां पर तुलसी भी थी। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वानी कुले भिप्रात। ब्रज गोपियां कहती है कि हे कश्चित तुलसी, हे तुलसी कल्याणी, तुम तो गोविंद की इतनी प्रिय हो कि गोविंद तुम्हें अपने चरण में अपने गले में धारण करते हैं। अरे तुलसी के मंजरी के ऊपर कितने ही मधुमक्खी, कितने ही भ्रमर आकर क्यों ना गुंजार करे, लेकिन तब पर भी कृष्ण अपने गले से उस तुलसी माला को हटाते नहीं है। इतनी प्रिय हो तुम तुलसी कृष्ण को, इसलिए दया करके बतलाओ कि कृष्ण किस ओर गए हैं। तुलसी भी कुछ जवाब नहीं दिया। तभी उस समय पर ब्रज गोपियों की दृष्टि पृथ्वी के ऊपर पड़ी। पृथ्वी पर उन्होंने कृष्ण के चरण चिन्ह देख लिए और जैसे ही कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उनको बड़ा आनंद हुआ। निश्चित रूप में कृष्ण इसी ओर गए हैं। कृष्ण के चरणों का अनुसरण करती करती थोड़ा आगे जब गई हैं, वहां पर उन्होंने एक छोटी किशोरी के चरण भी देखे। अभी जब एक छोटी किशोरी के चरण देखे हैं वहां पर, कहते हैं ब्रज गोपियों के तीन दल है वहां पर, तटस्था, स्वपक्षा और विपक्षा। स्वपक्षा कौन है? बोले जो श्रीमती राधा रानी का दल है। विपक्षा जो चंद्रावली का दल है। और तटस्था जो दोनों की ओर है।
तो इसीलिए जो श्रीमती राधा रानी के दत्ता जो श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा करती है उन्होंने श्रीमती राधा रानी के चरणों चिन्ह को पहचान लिया। और वहां पर जैसे दो दल के अंदर युद्ध होता है उसी प्रकार जो विजयी होता है विजयी क्या करता है शंखनाद करता है। यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी भी राधा रानी के पक्षपाती हैं इसलिए वहां पर शुभदेव गोस्वामी डिक्लेयर करते हैं अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामान्यद्रह। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भैया कोई गोपी कितना ही मान क्यों ना करे लेकिन देखो तो सही कृष्ण आखिर लेकर गए तो गए किसको। ये श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है अनयाराधितो नूनम जिसने श्री कृष्ण की अनन्य रूप में आराधना करी है उसी को ही कृष्ण क्या करे हैं अपने साथ में लेकर गए हैं। कृष्ण को खोजते खोजते अंत में सब ब्रज गोपियां श्री यमुना तट पर आई हैं और यमुना तट पर आकर उन्होंने बड़े सुंदर रूप में गोपी गीत का गान किया। हम भी कुछ श्लोक श्री गोपी गीत के श्रवण कर लेते हैं। जय जन्मना ब्रज कीर्तन हो मैं उसी स्थान पर नित्य नियमित रूप में निवास करता हूँ। ब्रज गोपियों ने भी जब इस गोपी गीत का गान किया कृष्ण वहीं से आविर्भूत हुए तासाम आविर्भूत वहीं पर आविर्भूत हुए कृष्ण कहीं गए नहीं थे केवल मात्र ब्रज गोपियों की महिमा को प्रकाशित करने के लिए वो अंतर ध्यान हुए हैं। गोपियों और कृष्ण के बीच में खूब वहां पर कथोपकथन हुआ है और अंतिम में कृष्ण ने वहां पर महाराज और महाराज को देखकर शंकर जी की भी इच्छा हुई कि हम भी जाकर उसमें सम्मिलित हों। कृष्ण ने वहां पर उस समय शंकर जी ने क्या किया बोले गोपी रूप चाहिए रास में तो एकमात्र पुरुष श्री कृष्णचंद्र है और तो सब गोपी है स्त्री है। तो शंकर जी ने उस समय पर ब्रह्मकुंड में स्नान करके और गोपी देह प्राप्त कर लिया और थोड़ा सा घूमटा लेके और श्री शंकर जी भी घुस गए रास में। कृष्ण जब ब्रज गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे आज वैसा आनंद नहीं हो रहा है। कृष्ण कहने लगे कि लगता है कोई विजातीय यहाँ घुस आया है देखो तो जरा आज रास में ऐसा आनंद क्यों नहीं आ रहा। सभी गोपियां खोजने लगी देखा एक कोने में बैठे शंकर जी घूमटा लेकर। जैसे ही पास में गए उनका घूमटा उगाड़ा पूछा बता देना नाम क्या है। अब शंकर जी ने बाहर रूप से तो गोपी देह धारण कर लिया लेकिन नाम पर पूछा तेरे गांव कौन से गांव से आई है तेरे खसम का नाम क्या है तेरे ससुर का नाम क्या है ये सब बातें तो शंकर जी को पता थी नहीं।
साक्षात ब्रज गोपियों ने यहाँ पर शंकर जी को कुल्छे मार मार कर वहां से रास्ते बाहर जब निकालने की चेष्टा करी, भोले बाबा तो हाथ जोड़कर कृष्ण के शरणागत हो गए, बोले रक्षा करो प्रभु रक्षा करो, इनके कुल्छे खाकर तो मेरा यहीं पर खेल हो जाना है। कृष्ण कहने लगे कि भोले बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु आपके दास के दर्शन करने की उसमें सम्मिलित होने की इच्छा थी, इसीलिए गोपी देह धारण करके और आया हूँ। शंकर जी ने कह दी, उस समय पर कृष्ण ने शंकर जी को आशीर्वाद दिया कि आप राजस्थली के ईशान कोण में विराजमान रहेंगे, जब तक किसी जीव के ऊपर शंकर जी की कृपा न हो तब तक भगवान के रास में प्रवेश नहीं मिलता। इसीलिए आप देखोगे यदि राजस्थली श्री वृंदावन में जाकर देखेंगे वहां पर गोपेश्वर शिव है, वहां पर शंकर जी को सुबह तो शिवलिंग रूप में दर्शन होता है लेकिन शाम होते ही वहां पर शिव जी को उस शिवलिंग को गोपी रूप में श्रृंगार कर देते हैं। आज भी शंकर जी राजस्थली के बाहर बैठकर ईशान कोण में बैठकर और जो भी योग्य व्यक्ति है उनको रास में प्रवेश प्रदान करते हैं। अभी हम रास का एक भजन श्रवण करेंगे, अपने वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऐसो राशि रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो, पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो, ऐसो बहुत सारी गोपियां बैठी हुई हो जहाँ पर शंकर भी आकर नाच रहे तुम चुपचाप बैठ गए, एक बार खड़े हो जाओ सबके सब रास में, एक बार जो नाच ले ठाकुर जी अपना अपना गोलोक वृंदावन में स्थान देते कि सबके सब सब एक बार खड़े हो जाओ, तैयार करते हो गया सब। है सो राज सो वृंदावन है पायल की झनकार।
कितने देर तक सुनियो? जोर से बोलो, कोई बात मत करो आपस आपस में। नियम है कथा सुनने का बाद कथा में कुछ देनी चाहिए और कथा से कुछ लेनी चाहिए। बोले दे किया और ले किया, ये चीज को ध्यान से सुना। बोले नियम है जितने गंदी चीज यहीं पर छोड़ जाओ, और लो किया बोले भगवान की भक्ति ठाकुर का प्रेम लेकर के यहां से जाओ, ये नियम है। हैं? इसलिए भैया गंदी क्या चीज है, इसलिए बताए गंदी चार चीज है। इसलिए चार चीज गंदी को छोड़नी चाहिए, जिसको परीक्षित महाराज जहां पर कली को जहां पर स्थान दिया है। पहला नंबर है कभी जीवन में जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए धर्म का पहला चरण सत्य है। जो व्यक्ति जुआ खेलेगा वो कभी सच नहीं बोल सकता है, वो झूठ को पर झूठ बोलता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज दिखाया, देखो मैं धर्म राजा हूं लेकिन ये जुआ खेल कर कितना मेरे सर्वनाश हुई है। पहले तब भाइयों को दाव पर लगा दिया,
उसको बाद में राज्य को, फिर अपना द्रौपदी को भी दाव पर मैंने लगा दी और उसकी वस्त्र हरण देखना पड़ा। हम सबको 12 साल 13 साल तक हमें ये बन बन में भटकना पड़ा। जो व्यक्ति जुआ खेलेगा उसको इतने सर्वनाश हो सकती है, इसलिए कभी भी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। लगता है कोई जुआ खेलते हो? नहीं खेलते है ना, बहुत अच्छा हो। इसलिए दूसरी चीज यह है, किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं मत लो। जो नस्ली वस्तु ग्रहण करते हैं वो कभी तपस्या नहीं कर सकते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति कब करेंगे? जब बुद्धि स्थिर रहेगा तभी तो भक्ति करेंगे ना। अगर बुद्धि अगर भटकता हुआ हो फिर वो बुद्धि से भगवान की भक्ति नहीं होगी। इसलिए नस्ली वस्तु क्या क्या है, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, ये सब नस्ली वस्तु है, इसलिए ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। और जो शराब है इसको भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए पतियों को शराब पीने मत दिया करना। इसलिए कहते जो शराब पीते हैं उनका 3 लाभ है। कितना लाभ है? अरे जोर से बोलो। कुछ कुछ माताएं बीच में बैठ कर बात कर रहे हैं। इसलिए शराब पीने पर क्या लाभ, कितना लाभ है? बोले लाभ है। बोले पहला लाभ क्या? बोले जो शराब पीते हैं वो कोई बूढ़े नहीं होंगे। बोले भैया बूढ़े कब होंगे? जिंदा रहे तब तो बूढ़े होंगे ना, वो तो पी पी करके लीवर खराब करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगी। कुछ दिन पहले मेरे पास में एक माता जी माला लेने के लिए आई, देखा उसको छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैंने कहा इसके पिताजी कहाँ हैं? बोले मर गए। बोले कैसे? बोले पीते थे, पी पी करके जब लीवर दोनों ही खराब हो गया, लास्ट में डॉक्टर के पास में आए तो बोले दोनों ही लीवर खत्म है, कि बचेगा कैसे। इसलिए कभी भी शराब जिंदगी में नहीं पीनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा लाभ किया, बोले घर में चोरी नहीं होगा। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो बेच बाच करके पी पा कर सब खत्म कर देगा, पर चोरी किस चीज की होगी। बोले तीसरा लाभ किया है, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे। कैसे? कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह में पेशाब कर देंगे, कुत्ता आ गया देखो। इसलिए कभी भी ये सब गंदी चीज से दूर रहनी चाहिए। हाँ देखो, और एक चीज को सुना ध्यान से, बोले ये चाय भी नहीं पीनी चाहिए। क्या नहीं पीनी चाहिए? आप बोलोगे भैया चाय में क्या दोष है, ध्यान से सुन लो, चाय की पत्ते में कोई दोष नहीं है, लेकिन ये चाय में एक निकोटीन और कैफीन डालते हैं, ये 2 चीज डालते हैं इसमें। इसलिए देखना जो शराब पीते हैं, शराब पीने का समय आए नहीं पियो तो बेचैनी से आती है। जो व्यक्ति चाय पीते हो, चाय का समय आए नहीं पियो तो क्या होता है बोलो? अरे बोलो क्या होता है? सर दर्द करता है ना। बोले क्यों? उसमें कैफीन और निकोटीन डाला हुआ जहर। अब रामदेव का जुगा देखना, कभी भी बोलता नहीं चाय पीने के लिए। खाली पेट में जो चाय पीते है ना उसको गैस्ट्रिक का बीमारी होती है। ये अंग्रेजी लोग हमें गुलाम बनाने के लिए पहले क्या जानते हो, पहले बिना पैसा की चाय पत्ते बांटे, चाय भी बना बना कर बांटे। हम ऐसे हैं, अगर जहर भी हमें बिना पैसा के दिया जाए ना, जहर भी पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले अब लोग बड़े बूढ़ों को पूछ लो, पहले जो 1 कप चाय पिएगा उसको हम 1 रुपया देंगे। बोले 1 रुपया 1 कप चाय? बोले पियो। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा दे, बोले पियो। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा, बोले पियो। कुछ दिन बाद में बोले कोई पैसा नहीं मिलेगा ना, सब चढ़ गया ना। 1 रुपया लाओ, 2 रुपया लाओ, 3 रुपया लाओ। अभी कितना पैसा है? कम चाय की 10 रुपया है। दिन में अगर 5 बार चाय पी लिया ना, कितना पैसा हो गया? 50 रुपया। अगर घर में रोटी सब्जी बनाओगे तो 50 रुपया में तो रोटी सब्जी बन जाएगी। लेकिन ये अंग्रेजियों ने हमें ठग करके ये हमें पैसा ले रहे हैं। इसलिए अगर ठगना चाहते हो चाय पियो, अगर ठगना नहीं चाहते हो चाय को मत पिया करो, इसमें बीमारी है, ठीक है ना। एक हर्बल टी, गोकुल टी, प्रज्ञा, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें निकली है जड़ी बूटी से। शरीर को अगर हेल्थ को अच्छी रखना चाहते हो, ये सब अच्छी चीज को पियो, गंदी चीज को छोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना। और जो तीसरा चीज है,
कहते स्त्रियम, बोले स्त्रियों को ऊपर में ये कली का निवास है। बोले भैया कौन सा स्त्रियों को ऊपर में, इसको भी ध्यान देकर सुनो। बोले संसार करो, घर गृहस्थी करो, लेकिन ये विवाहित पत्नी को साथ में अपना संबंध रखो। ऐसे नहीं बगैर शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके घूम रहे हैं। शास्त्र एकदम इसको मना किया है। आप भागवत पढ़ करके देखो, जो अवैध रूप में पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष से मिलते हैं, मरने के बाद लोहे के स्त्री को एकदम गर्म करके लाल बन जाती, उसको जोर जबरदस्ती आलिंगन कराते हैं। पंचम स्कंध में वर्णना है। इसलिए घर गृहस्थी करो, अपना पत्नी को साथ में धर्म पूर्वक अपना संसार को निभानी चाहिए। कहते उल्टा पुल्टा करने से वहां पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा जो वस्तु है जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब मांस नहीं खानी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, अंडा नहीं खानी चाहिए। लगता है यहाँ पर कोई खाते नहीं, नहीं खाते है ना, बहुत अच्छी ताली हो जाओ तुम लोगों के लिए। कम से कम ये पाप वस्तु से आप लोग दूर हो, पाप वस्तु से। इसलिए इसका नाम कहते मांस, ये संस्कृत शब्द है। मांग मतलब मुझको, स मतलब वह, मतलब अभी जिसको हम खा रहे हैं बाद में हमें जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट, मीट मतलब क्या, मी ईट। उल्टा दो क्या होगा, बोले ईट मी, मतलब जिसको तुम अभी खा रहे हो बाद में दो बार फिर तुमको खाएगा। इसलिए भागवत में कथा आती है, एक राजा थे जिनका नाम था सुरत राजा। वो यज्ञ में पशु बलि देकर खाते थे। एक दिन नारद जी का भेंट हो गया। बोले क्या कर रहे सब? बोले यज्ञ में पशु बलि देकर भोजन करता हूँ। बोले जानते हो इसका फल क्या? उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने मंत्र पूत करके पानी छिड़काव कर दिया। देखा तीन जमदूत आकर के गले में रस्सी बांध कर ले जा रहे थे। जितने मांस खाया था जानवर, देखा लाइन करके सब के सब तलवार लेकर खड़े थे। बोले तुम लोग कौन हो? बोले याद है पहले जन्म में तुम हमें खाए, याद है हम प्रतिशोध लेने के लिए तैयार है। उसको शरीर को टुकड़े टुकड़े कर काट रहे थे, चीख रहा था छोड़ो छोड़ो। बोले हमें जब खा रहा था? बोले भैया पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, इसलिए सब गंदी चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। अब विशेष करके जो प्याज लहसुन है ये चीज को भी नहीं लेनी चाहिए। कल आपको प्रभु जी कथा सुना रहे थे ना, कल ही तक कथा सुना रहे थे। ये जो प्याज लहसुन कैसे बना, ये गो मांस से ये प्याज बना है, गैया का हड्डी से ये लहसुन बना है, गैया की खून को बूंद से ये मसूर डाल बना है। इसलिए देखना नवरात्रि रखते होंगे, 9 दिन तक प्याज लहसुन कोई नहीं खाते, खाते है कोई? खाते नहीं ना। बोले 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर क्या मुर्गा मुर्गा है। जो चीज ठाकुर को पसंद नहीं, जो चीज माता जी को पसंद नहीं, जो हनुमान जी की व्रत रखते हैं, देखना प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। हमारे कान्हा को भी भोग नहीं लगता है, भगवान राम को, किसी देवादेवी को ये सब चीज भोग नहीं लगती है। इसलिए जो चीज ठाकुर को पसंद नहीं हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। घर में जो कुछ चीज बने पहले ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगाओ, ठीक है ना। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस उपजाए थे। जो लोग मेरे को भोग लगा कर खाएगा, कृष्ण खुद कहते हैं घर में कभी दुख कष्ट नहीं आएगा। अगर मेरे को भोग लगा कर नहीं खाएगा, उपनिषद कहता है स्वान बिष्टा समचर्ण, वो दाल चावल भात नहीं कुत्ते का बिष्टा भोजन कर रहे। इसलिए सुदामा जी का कथा सुनाया था ना, सुदामा पहले गरीबी क्यों बना? क्योंकि कृष्ण को बिना दिए छुपा कर खाए। धनी का बना जब ठाकुर जी के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए तो ठाकुर खाए, त्रिभुवन का राज्य दे दिया। घर में अगर ठाकुर जी को भोग लग गया तो घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, दरिद्रता खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए अगर प्याज लहसुन डालोगे भोग नहीं लगेगा। लेकिन कोई कोई कहते नहीं हम तो ठाकुर को भोग लगाते हैं। बोले कैसे, ध्यान देकर सुनो। बोले कैसे, बोले ठाकुर को सामने थोड़ा दूध रख लेते हैं, नहीं तो इलायची का दाना बाताश रख लेते हैं। फिर बोले बढ़िया चकमाल हम बना कर खुद खाते हैं, ठाकुर जी को ऐसे खिलाते हैं। भैया ऐसे कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे, जैसे आपका घर में कोई एक नौकर है, वो नौकर क्या करता है, माली को जैसे तैसे खिला देता है। एक खुद राजमा चावल शाही पनीर मटर पनीर बढ़िया बढ़िया खुद बना बना कर खाता है।
अगर मालिक को ये बात पता चले जाए तो मालिक क्या करेगा? अब मालिक क्या करेगा? नौकर को रखेगा ना, धक्का देकर घर से निकाल देगा। अरे बोलो, घर का मालिक हम ना, घर का मालिक ठाकुर जी है। सब किसने दिया है हमें? सब कुछ किसने दिया है? ठाकुर ने दिया। उसको क्या दिख नहीं रहा है क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो? एक दिन धक्का देकर घर से निकाल देगा वो। मतलब मेरे सब कुछ लेकर खा रहे हो, अब मेरे को जैसे एक स्टैचू बनाकर घर में रख दिया। मेरे को घर में ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? आप बोलोगे पति लोग मानते नहीं, पति लोग मानते नहीं। पहले खुद भगवान को बढ़िया बढ़िया प्रसाद लगा करके ही की छोक दो। कितने तरह का मसला आया है इसको दे करके ठाकुर को भोग लगाओ। अगर पति खाते हैं उसको अलग दे दो थोड़ी सी बना करके, लेकिन उनको धीरे धीरे प्रसाद खिलाते रहना। देखना वो पति भी एक दिन परिवर्तन हो जाएगा, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। देखना भगवान की प्रसाद खाने से कहते जैसे खाएगा अन्न वैसे मनेगा मन, है धीरे धीरे उसका मन भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए भगवान को भोग लगा कर खाओ और खूब आनंद में रहो, ठीक है? इसलिए गंदी चीज, चार चीज गंदी छोड़ना। बोले चार चीज को जोड़ो। बोले क्या जोड़ेंगे? बोले हर घर घर में जो तुलसी पौधा है सबके घर में होनी चाहिए। भगवान जब ये जगत छोड़कर गए, ये तुलसी में ही अपने आप को छोड़कर गए। कथा सुन रहे थे ना, चले कचित कल्याण तुलसी, तुलसी कल्याणी, ये तुलसी कल्याण करती है। जब जो पूजा करते हैं ये माँ लक्ष्मी है, देखना सालग्राम को साथ में शादी होती है। जिनके घर में ये तुलसी वृक्ष, रोज स्नान करके पानी देना, इनको चार परिक्रमा लगाना, तुलसी की कृपा से घर में लक्ष्मी की कृपा होती है, घर माँ लक्ष्मी भी आती है। इसलिए घर घर में तुलसी वृक्ष होनी चाहिए। तुलसी वृक्ष है घर में? किसके घर में तुलसी वृक्ष है? बहुत अच्छी बात है। इसलिए भागवत में बताया तुलसी काननम जत्र जत्र वृंदावनानि च, जहाँ पर तुलसी वृक्ष है वही वृंदावन घर है। हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए गए, उन्होंने ये तुलसी वृक्ष को देखकर घर में उतर थे। जिसके घर में तुलसी वृक्ष है ना, वो हनुमान जी भी उसके घर में, हनुमान भी कृपा कर इसको उस घर में आ जाते हैं। इसलिए जरूर तुलसी वृक्ष रखो, तुलसी की पूजा करो, और जो गले में जरूर ये तुलसी कंठी भी धारण करनी चाहिए। ये तुलसी को कोई लकड़ी मत समझा करो। अभी जैसे कोरोना आया था ना, सबसे पहले कोरोना का दवा किसने निकला था? ये रामदेव बाबा ने सबसे पहले कोरोना निकला था। आप उसको पढ़ करके देखना, उसमें 80% तुलसी है, 20% और दूसरी चीज है। इसलिए गले में हम लोग दुकान से एक मेडिसिन ढूंढना, उसका नाम तुलसी पावर, कल जाकर ढूंढना, देखना उसमें एक पेपर है, उसको पढ़ करके देखना, 200 तरह का बीमारी की मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। ऐसे कोई कैंसर तक भी ये तुलसी, कैंसर तक भी ये तुलसी सही कर देते हैं। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कंठी है, समझो सारे मेडिसिन उसको, और भगवान कृष्ण राधा रानी की लक्ष्मी की निवास है। जैसे स्नान करेंगे इसका पानी सारा शरीर में जाएगा, शरीर से सारे बीमारी को अपने आप खत्म कर देता है। शास्त्र में बताया जिसको गले में तुलसी कंठी स्नान करते हैं, पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहाना, सारे तीर्थ में बैठी बैठी करके नहाना हो गया। इसलिए जब महाराज जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाते कि नहीं, भले ही जो कुछ ठाकुर जी को भोग लगाओ, अगर उसमें तुलसी पत्ता नहीं देते तो ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते हैं, है ना? ठाकुर ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए जो शरीर है कहती है पंच रचित ये अधम शरीरा, काटी पेशाब का थली है, लेकिन जब गले में हम तुलसी कंठी डाल लिया, ये शरीर ठाकुर को समर्पित हो गया। आज से ये शरीर हमारे नहीं रह गया, ये शरीर बांके बिहारी का हो गया। जब महाराज जमदूतों को कहते हैं, बोले जो मेरे भजन करते हैं भगवान के, मेरे पास में मत लाया करो। बोले पता कैसे चलेगा? किसकी शरीर में तो लिखा हुआ रहता नहीं, कौन भक्ति करता नहीं करता, कुछ लक्षण बता दो। देखो उन्होंने क्या लक्षण बताए, जैसे एक सधवा स्त्री, हमें पता कैसे चलता सधवा है? जैसे मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, नाक में बेसर पहनती है, चूड़िया पहनते हो, मंगलसूत्र पहनते है कि नहीं, इससे पता चलता है ये सधवा, ये सधवा। बोले किस लिए धारण करते? बोल पति के लिए। जब ये साधारण जगत का पति के लिए हमने इतने श्रृंगार की, जो पति का जो पति है, जो परम पति है, उसके लिए हमने क्या धारण करके रखा?
इसलिए जब स्वयं कहते हैं जैसे कि पतिव्रता नारी ये सोहाग का चिन्ह धारण करते हैं, मेरे जो भक्त हैं उनको कैसे पहचानोगे? देखो ये श्लोक है, बोले ललाटे तिलकम, और ललाट में तिलक धारण करते हैं, तिलक का बड़ी महिमा है। अब भगवान कृष्ण को देखो तिलक है कि नहीं, भगवान राम को देखो तिलक है कि नहीं, अब भगवान नारायण को देखो कि आधा मुंह तो तिलक में भरा हुआ, हनुमान जी को देखो, गणेश जी को देखो, सबका तिलक है। हम तो हिंदू है ना, देखना जैसे कोई अच्छे कोई बिजनेस के लिए जाते हैं काम के लिए, हम तिलक लगा कर भेजते, बेटा तेरा विजय हो, जा काम तुम्हारी बन जाए, है ना। घर में जब ब्राह्मण आता है जब तक तिलक नहीं लगाएगा तब तक पूजा ही नहीं करता। बोले क्यों? बोले तिलक के बगैर पूजा निष्फल है। अब ये गोपियों का चरणों धूलि द्वारका से आता है, इसकी बड़ी महिमा देखो मेरे तरफ में। तिलक कैसे लगानी? छोटा तिलक नहीं, बोले ऊर्ध पुंड्र धर्मर्त्यो, इसको कहते ऊर्ध पुंड्र। ऊर्ध मतलब जो हमें भगवान तक ले जाए, ठाकुर तक ले जाए, इसलिए उसको ऊर्ध पुंड्र कहते हैं। इसलिए देखो ये ब्रह्मा है, ये बीच में जो खाली स्थान है ये विष्णु है, और ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये जो दो चिन्ह है ये ठाकुर का दो चरण है, बांके बिहारी की। उसका नीचे देखो जैसे ठाकुर जी के चरण में तुलसी पता देते हैं, इसका आकृति वैसे है, मानो ठाकुर जी के चरण में हमने तुलसी पता दिया। शास्त्र में बताया जो व्यक्ति ये तिलक धारण करते हैं, देखो श्लोक है, बोले लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्य तस्य भवेत देहे जस्य पद्मांकित। कहते जो व्यक्ति ये तिलक धारण करते हैं उनकी शरीर में लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा गीता सीता और गया गंगा कुरुक्षेत्र में इसको शरीर में सारे तीर्थ निवास करते, इतने महिमा ये तिलक धारण करने का है। और गले में कंठी, बोले ललाट तिलकम कंठे त्रिकंठिका। इसलिए जब महाराज एक उदाहरण देकर समझाए, बोले देखो दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं? अरे बोलो जोर से, एक पालतू एक फालतू। पता कैसे चलेगा पालतू फालतू? बोले जो पालतू कुत्ते हैं गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते हैं। लेकिन जो फालतू कुत्ते किए बोले बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमता है, आप देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कहती है ना, हम किसके पालतू है? बांके बिहारी। मैं नहीं कहता, जम स्वयं कह रहे हैं, जम दूतों को, वो बांके बिहारी की पालतू है। इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ठाकुर जी की पालतू कुत्ते हमें बननी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या करो, बोले तुलसी की जरूर घर में पूजा करो, तुलसी की पौधा में पानी दो। और अगर किसकी इच्छा होगा भाई हम पालतू बनना चाहते हैं, गले में कंठी कथा के बाद में आओगे तो एक कंठी दे दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है एकादशी व्रत जरूर रखा करो। कौन कौन व्यक्ति एकादशी व्रत रखते हो? हाथ उठाओ, यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, अब लोग एकादशी व्रत रखते हो। देखो एकादशी व्रत को बताया, ये कौन सा व्रत? कल्पतरु व्रत। कल्पतरु मतलब होता है एकादशी व्रत करके जो कुछ मांगोगे, किसकी घर में एकादशी व्रत की कथा तो पढ़ लेना। एक एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी, पहले नंद जसोदा के घर में पुत्र था ही नहीं, उन्हें सारे व्रत कर चुके थे लेकिन घर में पुत्र नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी के घर में पुत्र आए। एक एकादशी का नाम इंदिरा, 15 दिन में एक आती, इंदिरा मतलब तो लक्ष्मी, जिनके घर में पैसा की अभाव है, घर में लक्ष्मी की कमी है, वो एकादशी करोगे ना घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम अर्णदा, अगर ये एकादशी कभी करे घर में कभी अन्न शस्य की कभी कमी तुम्हारे घर में होगी नहीं, लक्ष्मी भरपूर रहेगी। एक एकादशी का नाम विजया, अगर ये एकादशी कोई करे आप कहीं भी किसी काम के लिए जाओ कभी तुम फेल नहीं होगे, हर काम में विजय प्राप्त करोगे। एक एकादशी का नाम सफला, अगर उसको एक कोई व्रत करेगा तो हर समय जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। एक का नाम है पाप मोचनी, उसको करने से जीवन में जितने पाप है वो सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, जितने बड़े से बड़े पाप क्यों नहीं हो हैं। इसलिए देखो मैं पहले बताया था ना, मैं यूरोप प्रचार करने के लिए जाता हूँ, यूरोप, मैंने एक बार यूरोप गया था, वहां पर एक स्थान है
रोटर डम वहां पर एक स्थान है, वहां पर एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, शरीर केवल हड्डी हड्डी रह गया था, किसी तरह से प्राण नहीं जाए, गले में प्राण अटक गया था। जब उनको पता चला भारत से कोई साधु आए, तब मेरे को लेकर गए हॉस्पिटल में, कोई परिचित व्यक्ति था, लेकर के हॉस्पिटल 2 साल से पड़े हुए, बोले बाबा इनकी दुख कष्ट देखा नहीं जाता, बेहोश होकर पड़े हुए, आप बताओ उनकी मुक्ति कैसे हुई। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग सभी एकादशी व्रत करके फल दो। बोले बाबा अभी 10 दिन बाकी, एक एक दिन बड़े कठिन से बीत रहा है। मैंने सबका हाथ में पानी दिया, मैंने कहा तुम सब संकल्प करो पूरा परिवार मिल करके एकादशी का व्रत फल देंगे। सबका हाथ में फूल मैंने पानी दिया, संकल्प कराया, बोले संकल्प करो हम सबके सब एकादशी का व्रत फल देंगे। सबके सब संकल्प किया, मैं जो वहां से जिनके घर में रुका हुआ था, जब वहां पर आया ना उनका फोन आया, बोले बाबा पिताजी की सदगति हो गई, पिताजी की प्राण चला गया। कितनी अगर कोई व्यक्ति साल साल से पड़ा हुआ, किसी ब्राह्मणों को बुलाओ, इनकी सदगति कैसे हुई, देखना क्या बोलता है। बोले कोई एकादशी व्रत करके फल दे सकते हो, इतनी महिमा एकादशी की, इसलिए जरूर आप लोग एकादशी व्रत को जरूर करना, 15 दिन में एक बार आती है। अगर आप कोई भी व्रत नहीं करोगे 100 मंगल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकादशी व्रत नहीं करोगे तो पाप है। क्यों? उसी दिन अर्ण में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पितृ मातृ हत्या, सारे पाप एकादशी के दिन अर्ण में आश्रय करता है। इसलिए आप लोग जरूर 15 दिन में एक बार एक एकादशी आएगी। देखना घर में अगर कभी पति पत्नी में लड़ाई हो जाए ना, पुराण में कथा आती है, एक समय क्या हुआ, तो पति पत्नी थे घर में, सो करके उठते लड़ाई हो गई पति पत्नी में, पत्नी तो दुखी हो गई, बोले आज मैंने भोजन नहीं बनाऊंगी, पति बोला मैंने खाऊंगा तब तो भोजन बनाऊंगी, सवेरे उठते ही लड़ाई करने शुरू कर दिया। उनको पता नहीं था जी एकादशी है, पूरा निर्जला एकादशी हो गया। जानते हो पुराण पढ़ कर देखो, अगली जीवन में रूपमांगद महाराज रूप में जन्म हुआ, उन्हें उनकी पत्नी उनकी रानी बन करके जन्म हुई। इसलिए घर में देखना कभी पति पत्नी में लड़ाई होती कि नहीं, देखना 2-3 दिन तक पूरा एकादशी रहती, निर्जला एकादशी रहती। इसलिए भगवान के लिए व्रत रखा करो, ठीक है ना, एकादशी जरूर रखा करो। एकादशी कब, एकादशी क्या कैसे, हमारी विशाखा दीदी यहाँ पर बैठी हुई है, आप इनकी इनके ग्रुप में जोड़ देना, अपना फोन नंबर दे दोगे तो आपको ये भेज देगी कब एकादशी। नियम है दूसरे दिन एक समय है, 9 नहीं तो 10 बजे के अंदर में थोड़ी सी अर्न को लेकर के उसको व्रत खोलनी चाहिए। आप लोग विशाखा दीदी से जुड़ जाना, इनके ग्रुप में जुड़ जाना, ये भी क्लास देती है, हरिनाम कराती है, उनको कोर्स सिखाती है, ठीक है। इसलिए सबके सब करना, एकादशी व्रत करनी चाहिए। और जो तीसरी चीज है, हर घर में ठाकुर जी जरूर हो, है कि नहीं, किस किस के घर में ठाकुर जी, हाथ उठाओ तो। हाँ देखो, ठाकुर जी सब कुछ हमें दिया है। आप देखना जिसकी घर में ठाकुर जी को जितने सुंदर सेवा पूजा होगी, आप देख लेना जितने सुंदर ठाकुर जी की आप सेवा पूजा करोगे, अगर ठाकुर जी खुश हो ना, हम भी संसार में खुश रहे। ठाकुर जी अगर प्रसन्न हो घर में, हम भी प्रसन्न रहेंगे। कैसे, रोज ठाकुर का स्नान कराओ, किसी चरणामृत लो, चरणामृत की बड़ी महिमा शास्त्र में बताया, अकाल मृत्यु हरणम, आज समय में मृत्यु नष्ट कभी नहीं होगा, सर्व व्याधि विनाशनम, सारे रोग दूर हो जाएगा इनके चरणामृत लेने से। और ठाकुर को सुंदर उनको अलका बनाना, कपड़ा पहनाना, ठाकुर को श्रृंगार करो। ठाकुर घर, जिसकी घर में जितने ठाकुर का सेवा पूजा सुंदर होगा, ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि देने वाले तो सब कुछ वही है ना, आपके घर में भी खुशियाली रहेगी, ठीक है। देखा कि छोटी सी कहानी सुनो ध्यान देकर के, ये सही कथा ये अयोध्या की। बोले एक समय की बात है, अयोध्या में एक राम दरबार मंदिर था, वहां पर गुरु जी थे, एक छोटा बच्चा था। गुरु जी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। बोले बेटा, उसका नाम था रामदास। बोले रामदास तुम ठाकुर का सेवा पूजा कर लोगे? बोले गुरु जी आदेश होगा तो कर लूंगा। बोले बेटा अच्छे तरह से ठाकुर को खिलाना पिलाना। गुरु जी चले गए। अभी ये तो छोटा बच्चा, रोटी बनाया, सब्जी बनाया, वो तो कभी देखा नहीं गुरु जी कैसे भोग लगाते हैं। वो सोच रहा था शायद ठाकुर जी बैठे करके जैसे हम भोजन करते ना खाएंगे, छोटा बच्चा है ना उसको पता ही नहीं करके ठाकुर को सामने धर दिया। बोले ठाकुर जी पीड़ित लगा दिए। बोले ठाकुर जी आओ भोजन करो। लेकिन भगवान राम बैठ कर भोजन नहीं कर रहे हैं।
इतने में बच्चा तो रोने लग गया, बोले ठाकुर जी क्या नाराज हो? गुरु जी बोल करके गए अच्छे तरह से ठाकुर को सेवा करो, नहीं तो गुरु जी नाराज होंगे। गुरु जी कहते जैसे हम खाते खाएंगे। इतने में वहां सरज नदी है, बोले अगर भोजन नहीं करेंगे ना ये सरज में आत्महत्या कर दूंगा। जब गए ना भगवान राम हिल गए ठाकुर जी, हनुमान जी को बोले हनुमान जी जाओ उसको पकड़ करके लाओ जल्दी। वो छलांग लगाने जा रहे थे, हनुमान पीछे से पकड़ लिए, बोले भगवान राम भोजन कर रहे। बोले कर रहे हैं, सचमुच से भगवान राम भोजन किया। माँ लक्ष्मी भी भोजन की, लक्ष्मण भरत बाद में हनुमान, और इसने भोजन की। दो चार दिन जब ऐसे गया ना, वो छोटा बच्चा था, बोले ठाकुर जी मेरे से इतना हो नहीं पा रहा, अकेला जाकर के आटा लाओ, सब्जी लाओ, लकड़ी लाओ, रोसी बनाओ। आप तो घर की काम करते होंगे, कितना कठिन है आपको पता होगा। बोले मेरे से हो नहीं पा रहा है। ठाकुर जी बोले राम बोले बताओ हम मदद करेंगे। बोले मैं क्या करूँ? बोले आप थोड़ा दोना पत्ता बना दो। बोले कोई बात नहीं। मैया सीता बोली मुझे क्या करना? बोले तो आप घर की माँ हो, माँ क्या करती है? रोसी बनाती है। बोले भैया हम तो 14 साल, हम भी रोसी बनाई कर देगी। लक्ष्मण बोले मुझे क्या करना? बोले सूखी लकड़ी थोड़ा जंगल से ले आना। बोले भैया जिंदगी भर हमने वही काम किया। हनुमान जी बोले मुझे क्या करना? बोले और सारे रखवाले आप करना। बोले भैया मेरा यही काम है। वो केवल मांग करके ले आता है सब्जी और चून ले आता है आटा, और मैया लक्ष्मी बड़ी सुंदर ठाकुर जी के लिए रसोई बनाती, बड़ी सुंदर सेवा हो रही है। एक दिन गुरु जी का लेटर आया, पत्र आया, बोले रामदास मेरे साथ में कुछ संत आ रहे हैं, केवल एक टाइम के लिए भोजन की व्यवस्था कर देना बेटा, मैं आ करके देख लूंगा। इतने में मैया सीता को बोले, बोले माता जी देखो गुरु जी की पत्र आया है, संत आ रहे हैं। बोले बेटा कोई चिंता मत कर, थोड़ा ज्यादा भिक्षा ले ना, मैं बना दूंगी। तो उन्होंने गुरु जी को पास में लेटर भेज दिया। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो। मैया जानकी बड़ी सुंदर सुंदर रोज छात्रान भोग 36 व्यंजन बनाते हैं। लक्ष्मण भैया सुखी सुखी लकड़ी ले आते हैं, और भगवान राम पत्ते और तुणा बना देते हैं, और हनुमान भैया तो सारे काम करते, तो कोई चिंता नहीं। माता जी बोले जितने संत लाए आए। गुरु जी तो लेटर पढ़कर बोली पागल क्या कह रहा है, मैया सीता रोसी बना रही है। लक्ष्मण उनको तो पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, वो बड़ी चिंता करते करते आए। आए तो देखा सचमुच से इतने खाना वहां पर बना हुआ, पूरा घर में भरा हुआ भोजन। बोले भैया इतने रोसी किसने बनाया? देखा माँ सीता स्वयं बैठ करके कोने में स्वयं मैया सीता रोसी बना रही थी। और जब गुरु जी को मैया सीता दर्शन किया ना, इतने में मैया सीता थोड़ी सी मुस्कुराए, वही अंतर ध्यान हो गई। बोले बेटा ऐसे कैसे हो गया? बोले गुरु जी जब आप चले गए ना, ठाकुर तो भोजन ही नहीं कर रहे थे, मैं तो सरोज में आत्महत्या करने जा रहा था। फिर ठाकुर जी भोजन किए उसको बाद में, बोले मैं नहीं कर सकता हूँ इतना। फिर मैया सीता रोज रसोई बनाती है, और लक्ष्मण भैया सुखी लकड़ी, हनुमान तो सारे काम करते थे। गुरु जी ने बोले भैया तेरे जैसे चेला पा करके मैंने जीवन मेरे धन्य हो गया। ताली बजाओ सबके सब, कुछ ताली नहीं, यहाँ के लोग रसिक नहीं। बोले बेटा तेरे जैसे शिष्य पा करके जीवन धन्य हो गया। इसलिए एक भजन है ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तो। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तो। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, भगवान मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं। इसलिए भगवान सब कुछ करते हैं। देखो ये चीज समझो, तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी बैठे हुए ना, ये मत समझो कुछ नहीं जानता चुपचाप बैठा हुआ, भैया सारा दुनिया को वही चलाने वाले हैं। इसलिए ठाकुर जी को अच्छी तरह से ठाकुर को सेवा पूजा करो, ठाकुर जी की खूब बढ़िया से भोजन कराओ, ठाकुर जी खुश रहेंगे तो तुम्हारी परिवार भी प्रसन्न रहेंगे, ठीक है ना। अच्छे तरह से जैसे आप लोग भी बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन करके आए हो, ठाकुर जी के लिए भी बड़ी सुंदर सुंदर श्रृंगार पहना हो। ऐसे नहीं ठाकुर जी 2-4 दिन 10 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे हुए, नहीं। ठाकुर जी को नए नए, ठाकुर जी को तो पुराण कहता है, जैसे ठाकुर जी को कोई अगर नया वस्त्र पहनाया, ये पुराण कहता है, उसमें जितने धागा है उतना कल्प तक उसको वैकुंठ वास होता है। द्रौपदी भगवान की अंगुली कट गई थी, आपको पता होगा द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे कब मौका आए, कब मैं इसका ऋणी उतारे। जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी, द्रौपदी के कितने पति थे, लेकिन कोई काम में आए क्या?
आकार में आए तो कौन काम में आए? ठाकुर जी आए। इसलिए भगवान केवल साड़ी फाड़ कर बैंडेज कर दी। अगर ठाकुर जी को सुंदर सुंदर कपड़ा पहना होगी, आप देखना ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। जो माता जी जो कथा करवा रहे हो, क्या नाम उसकी, कमल दीदी, ये तो सब घर घर में राधा रानी को ला करके दी। फिर उसने कपड़ा स्वयं ठाकुर जी के लिए सिलाई करती हैं और ठाकुर का कपड़ा भी आपको देती हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी ऐसे ठाकुर को सेवा करो। हाँ देखो, जो जो चौथा चीज सबसे महत्वपूर्ण है, भागवत कथा जो इतना दिन तक सुने हैं, यहाँ से क्या लेकर के जानी चाहिए? बोले भगवान के नाम को लेके जानी चाहिए। क्योंकि भागवत जब शुरुआत हुई ना, वो भगवान के नाम से शुरुआत हुई। और जब भागवत समाप्त हुई, मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलो, ये श्लोक बोलने से पूरी अभी साथ में जाने के लिए नकार कर दिया। तीसरी जो पत्नी जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, वो कौन थी? पत्नी। पत्नी से पूछा साथ में चलोगी? बोले चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे? बोले ज्यादा बोलोगे तो चार साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी और दुखी में दुखी रहूंगी, बिना खाए पिए तेरे को मैं खिलाऊंगी। हैं? राजा तो बड़े आश्चर्य में पड़े गए। जिनके लिए मैंने जीवन दिया वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए किया नहीं वही जाने के लिए तैयार है। चौथी पत्नी कौन थी बोलना? इसलिए बताओ कौन सा बहू को ज्यादा प्रेम करनी चाहिए? चौथी वाली। ये चौथी वाली कौन है? ठाकुर जी का नाम। जैसे हम लोग तो चले जाएंगे, फिर जब चले जाएंगे, जो सात दिन तक आपने कथा सुनी है कुछ तो लेनी चाहिए। भागवत कथा तो आप लोगों ने सबने सुनी है, लेकिन पूर्ण रूप में किसकी सुनने का फल लाभ है? जो ये हरिनाम पास में माला नहीं, एक एक माला लेकर के जाओ, खुद भी करो और परिवार को भी हरिनाम कराओ। हाँ देखो, ये जो भागवत कथा है सात दिन तक हुई है, ये कथा में कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से, आप लोगों ने हर तरह से भागवत कथा में। हमारे श्री सिद्धाराम भैया बड़े सुंदर, उन्होंने ढोलकी बजाए जिसके अंगुल पर नाच रहे थे, और श्रीकांत भैया इन लोगों ने बड़े सुंदर म्यूजिक बजाए, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ जोर से। और हमारे श्री माइकी वाले कहाँ हैं? माइकी वाले भैया भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने भी हम जब जब जैसे बोले उन्होंने माइक को सही, जो कराने वाले ही यहीं पर नहीं है, कहाँ पर गए, इधर आ जाओ जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा, इधर आ जाओ। संजय प्रभु जी, कमल, रूबी और तन मन धन से हर तरह से इन लोग ने ये सेवा की, तभी ये भागवत कथा हो पाई है। इसलिए आप देखो, भागवत में बताए श्रुतो अनुपठित ध्यात आदरित व अनुमोदित। अगर कहीं भागवत कथा हो रही, कोई सुने, लाभ ही लाभ है। नहीं हो तो थोड़ा पढ़े, लाभ ही लाभ है। अगर कहीं कथा हो, इसलिए श्री व्यास देव जी समस्त पुराण को लिख चुके थे, 17 पुराण। शांति नहीं मिली, शांति कब मिली? जब उन्होंने भागवत कथा लिखी। इसका मतलब है भागवत कथा में जो शांति आनंद है और कहीं भी नहीं, वो कहाँ से आई है? हमारी श्री विशाखा दीदी से। विशाखा दीदी ने ही, लो बैठ लो, विशाखा दीदी ने ही पहन लो, विशाखा भागवत का प्रसाद है। इसलिए विशाखा दीदी ने यहाँ आकर के इन्होंने पूरा कॉलोनी को उन्होंने प्रभु कृष्ण भक्ति में बना दिया। इनके जोरदार ताली बजाओ। ये पूरा कॉलोनी को कुछ दिन दो दिन पहले यहाँ पर माता जी है, उनकी पति बोल रहे थे, हम जो दूसरे कॉलोनी में रहते थे, इतने गंदा परिवेश है, इतने चुगली माताओं को अंदर में, इतने बुरी स्थिति थी। वो बोलते थे, मैं जब काम में जाता था पत्नी के लिए मुझे डर रहता था, लेकिन जब से मैंने इसी कॉलोनी में आया, इतने आनंद, इतने शांति, घर घर में कोई किसकी चुगली नहीं करते हैं, हरी चर्चा करते हैं, हरी का नाम कीर्तन होता है, यहाँ पर आकर के मेरे को इतने शांति मिली है। इसलिए आप लोग अगर आप चाहते हो घर को वृंदावन बनाने के लिए, आप विशाखा दीदी से जुड़ जाओ, इनका जो ग्रुप है ना इसमें जुड़ जाओ। ये ऑनलाइन जोश में हो, अभी दे सकते हो आप मुझे नंबर, क्योंकि ये रुकना नहीं चाहिए। आज जो आपके ऊपर प्रभाव है ना, कुछ दिनों बाद ये खत्म हो जाएगा। हम बहुत फंसे हुए जीव हैं, बार बार कथा सुननी पड़ेगी, इसलिए ये
को ले जाओ कि हाँ देखो ये जो रुक्मिणी है, हाँ दो मिनट सुन लो, ये रुक्मिणी विदर्भ देश की राजकन्या है, पांच भाई में सबसे छोटी है और साक्षात मां लक्ष्मी। नारद जी को ये बात पता था, इसलिए नारद जी बड़ी सुंदर सुंदर रुक्मिणी को कथा सुना, एकदम द्रवीभूत हो गए। द्रवीभूत होकर के भगवान कृष्ण आए, रुक्मिणी ये भी लिख दी मेरे को उधार कैसे करोगे। बोले हमारी एक नियम है, शादी से पहले लड़की अपना नगर से बाहर जाती है कुल देवी को पूजा करने के लिए, उसी समय में ही अपना प्रभाव दिखा करके मेरे को उधार करना। शिशुपाल को पता था रुक्मिणी कृष्ण को प्रेम करती थी, इतने में शिशुपाल अपना सैन्य सामंत को लेकर के चारों तरफ में घेराव करके रखा, अगर कृष्ण आएगा आक्रमण करेंगे। इतने में रुक्मिणी जब सखियों के साथ में गई देवी मंदिर में, शंकर पार्वती प्रकट हुए, वेद मंत्र उच्चारण करते हुए कृष्ण रुक्मिणी की शादी करा दी। जब रुक्मिणी निकली वहां से, माँ रुक्मिणी तो जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी, इतने सुंदर लगने में हमारे प्रेम कैसे होगा। कितना बिनु सत्संग विवेक ना हो, सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता है। नारद जी की कथा फिर इसने किया कि भगवान